पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। वादे के मुताबिक आज निदा यासर अपनी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, बहुत ही दिल से करीब चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हैं। जी हाँ, हमारे घर एक खुशी की लहर दौड़ी बड़े महीनों बाद। अम्मी के जाने के बाद पहली दफ़ा घर में एक कोई खुशी की जो फेस्टिविटी थी, हमने वो सेलिब्रेट की। अधूरी तो थी क्योंकि माँ नहीं थी, लेकिन अगर वो जहाँ भी होंगी और देख रही होंगी तो शायद खुश हो रही होंगी, क्योंकि पहली दफ़ा उनके बग़ैर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों ने उठाई और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो उनकी आखिरी ज़िम्मेदारी रह गई थी और जो वो तड़पती रहती थी कि मैं बस जाने से पहले किसी तरह इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर दूँ, वो ज़िम्मेदारी हमने पूरी की। जब आपके बहन भाइयों की एजेस में गैप होता है ना, तो फिर वो आपके बहन भाई नहीं रहते, फिर वो आपके बच्चे बन जाते। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा सबसे छोटा भाई, उसका और मेरा एज डिफरेंस अच्छा खासा है, जो शायद एक माँ और औलाद का एज डिफरेंस होता होगा, वो एज डिफरेंस है मेरा अपने भाई से। एक तस्वीर आई डोंट नो मैंने अपनी टीम को दी थी, वो पता नहीं आप लोगों के पास है कि नहीं। एक तस्वीर मैं आपको भी दिखाऊंगी, उसमें मेरा भाई मेरी गोद में बैठा है। वो अगर नहीं है तो मैं ब्रेक के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कि एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मेरा भाई मेरी गोद में बैठा है। और फिर सिलसिला शुरू हुआ फरवरी, 8 फरवरी को हमारी ज़िंदगी में जलजला आ गया। और वो जलजला ऐसा था कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें अपनी अम्मी के बग़ैर जीना नहीं आता था। मैंने इतना ज़िक्र नहीं किया स्क्रीन पर क्योंकि मैं उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं रखती थी इस सानहे को, इस जलजले को जो हमारी ज़िंदगियों में आ गया था, इसको डिस्कस करने का। मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी इसको डिस्कस करने की। लेकिन कहते हैं वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और शायद वक्त गुजरता गया तो शायद अब मैं थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ इस बारे में। तो अम्मी के जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी हमारे लिए। हम तीनों बहनें तो अपने घर की हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई जिसे हमने गोदों में खिलाया है, उसकी ज़िंदगी को सेट करना जो अम्मी का एक आखिरी मिशन था ज़िंदगी का, वो अब मेरे अब्बू और हम तीन बहनों पर ऑटोमेटिकली आ गया था। अब सिलसिला आगे बढ़ा और फिर हमने तय किया कि हाँ भाई, अपने भाई की पसंद की लड़की को हमने अपनाना है और उसको खुशियाँ देनी है ज़िंदगी में। बस फिर हम लगे रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमेशा अम्मी ने उठाई। मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे हो गई, मुझे नहीं पता मेरी जो दूसरी दो बहनें हैं उनकी शादियाँ कैसे हो गई। हम तो बस डांस के मेडलेस तैयार करते थे और उसके बाद शादी में मेहमानों की तरह शरीक हो जाते थे। अपनी मेकअप, ज्वेलरी, कपड़ों को ही बस अहमियत और फौकियत दे रहे होते थे। हमें तो पता भी नहीं था कि शादी की ज़िम्मेदारियाँ होती क्या हैं। अम्मी के जाने के बाद ये पता चला, जब पहली दफ़ा बहुत सारे लोगों को कार्ड बांटना रह गए, बहुत सारे ब्लंडर्स भी हुए होंगे हमसे, सो मैं उन सबसे सॉरी करती हूँ जिनको लाइक बुलावा नहीं पहुँच सका। ये हमारी थोड़ी सी पहली दफ़ा थी तो हम शायद कोताही कर गए। मगर साथ साथ छोटे भाई की खुशी, वो कहते हैं ना कि एक सबसे घर की आखिरी शादी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और जैसे कि मैंने कहा, आप भी मेरे मैके वाले, आपसे खुशी शेयर करूंगी मैं अपने घर की। सो वो वादा मैं आज निभा रही हूँ। अपनी भाभी से आज आपकी मुलाकात मैं करवा रही हूँ। आप मेरी अम्मी से मिल चुके हैं, मेरे अब्बू से मिल चुके हैं, मेरी बहनों से मिल चुके हैं, मेरी
एक बहन सवेरा की शादी तो हुई ही आप लोगों के सामने थी, याद है जब मैंने 12 साल पहले मॉर्निंग शो शुरू किया था, सो उस वक्त आप उसके शादी वीक में शामिल हुए थे। सो अब शादी वीक का ज़माना तो रहा नहीं, तो मैं छोटे छोटे ग्लिम्पसेस जो मेरे भाई की शादी के हैं वो आपसे शेयर करूँगी। अभी करूँ कि इंट्रो के बाद शुरू शेयर करूँ? हाँ बाद में। अच्छा तो मैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊँगी अपनी पूरी फैमिली से, अपने भाई भाभी से, और छोटे छोटे ग्लिम्पसेस तस्वीरें जो इस शादी पे हमने खुशियाँ सेलिब्रेट की उन सब से आपको मुतारफ़ कराऊँगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, हो सकता है इस खुशी के शो में कहीं हम इमोशनल हो जाएं, क्योंकि शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हमें नहीं पता चलता था कि कब हम खुशी से झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, हमें नहीं पता चलता था कि कौन सी लहर ऐसी आती थी जो हमारी आंखों में आंसू दे जाती थी। सो ये कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ हुई हमारे साथ, लेकिन अल्लाह ने खैर से ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, छोटे से हमारे भाई की ज़िंदगी बनाने की ज़िम्मेदारी जो है ये भी हमने निभा ली। इंशाल्लाह बहुत दुआ है, बल्कि मेरा ईमान है कि आप सब भी दुआ करेंगे कि मेरे भाई भाभी को बहुत सारी खुशियां नसीब हों और बहुत सारी दुआएं वो आपके पास से आज समेट के ले जाएं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मेरे दिल से करीब फैमिली आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है आपकी मुलाकात मेरे भाई भाभी, मेरी फैमिली से, मेरे मैके वालों से। सो दूसरी तरफ भी मैके वाले, इस तरफ भी मैके वाले। आइए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिल से करीब प्रोग्राम की। और इससे पहले कि मैं अपने मैके वालों को बुलाऊं, अपने अब्बू को, अपनी दो प्यारी बहनों को जो हमेशा ऐसे साथ जुड़ी हुई होती हैं, कोई गमी हो खुशी हो, बस बहनों की जो नेमत है उसका तब पता चलता है जब आपके वालिदैन में से कोई एक चला जाता है ना आपको छोड़ के, तो तब पता चलता है कि ये जो नेमत है बहन और भाइयों की, ये कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि जब वो आप अकेलापन महसूस करते हैं तो वो आपके साथ ऐसे खड़े होते। जिस भाई की खुशियों का मैं जिक्र करने वाली हूँ, आइए एक तस्वीर आपसे शेयर करती हूँ उसकी। और ये देखिए कि गोद में है वो मेरी, दिखाया ज़रा तस्वीर। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें केक काट रही हूँ मैं, और मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है मेरी गोद में, एक बहन है मेरी सवेरा, और राइट साइड पे जो बैठी हुई है वो सिना है। तो ये है हमारा एज डिफरेंस इस भाई के लिए जिसको हमने गोदों में खिलाया, हम कह सकते हैं। आइए जी जी, तो अब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हैं, इतने सालों से आपसे मुलाकात हो रही है, बल्कि शायद मेरे भी ऑन स्क्रीन आने से पहले आप उनके बहुत सारे ड्रामे देख चुके हैं, उनके ड्रामों को एडमायर कर चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो उन्होंने अपने ड्रामों के थ्रू बनाए, पर फिर उनके बच्चों को भी आपने ऐसे सेलिब्रिटी देखा। जी मैं जिक्र करूंगी सबसे पहले अपने वालिद का, जिन्होंने वो कॉन्फिडेंस हमें दिया कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे बगैर डरे खड़े होके यहाँ बात कर सकती हूँ। आइए वेलकम करूंगी सबसे पहले मैं अपने वालिद, उनका इंट्रोडक्शन कराया एज डायरेक्टर। फिर मेरी जो दूसरी बहन है जो मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी आदत और उसकी मोहब्बत ऐसी है कि वो हमेशा हमसे वो बड़ी बड़ी ही होती है। क्योंकि जब भी उस हमें माँ की ममता चाहिए होती है, जब भी हमें मोहब्बत चाहिए होती है, तो हमेशा हम कोई मशवरा चाहिए होता है उसका रुख करते हैं। सो है तो छोटी बहन, लेकिन उसकी मैच्योरिटी बड़ों वाली है, जो कि एक बहुत कमाल डायरेक्ट्रेस रह चुकी है, कंटेंट देखती है, अपने करियर्स को उसने बहुत दफ़ा चेंज किया है अपनी फैमिली को टाइम देने की खातिर, सना पाशा, काजम पाशा। और जो तीसरी बहन है उसने कोई अलग ही रुख इख्तियार कर लिया, चली गई स्पोर्ट्स की तरफ। आप उसके यूट्यूब चैनल से भी वाकिफ़ होंगे, एक न्यूज़ चैनल पर वो होस्टिंग कर रही है आजकल, और स्पोर्ट्स की कोई भी बात हो तो हम उसी से पूछते हैं। सवेरा पाशा, वेलकम करती हूँ मैं काजम पाशा, सना पाशा एंड सवेरा पाशा। श्याम भाई इधर से आओ, आप यहाँ से आइए डायरेक्टर साहब, कहीं से आए, आपको पता होगा कि किस तरफ कैमरे हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, जीती रहो बेटा, फैमिली के लिए करो ना माफ, जीती रहो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?
आज तुम्हें भी निदा पाशा कहेंगे, उसको भी सिना पाशा, सिना अली साइम एक्चुअली शादी के बाद। तो भाई ये हम आधे घर वाले आ गए, क्योंकि हमारे आधे घर वाले अभी आने बाकी हैं। सो कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि जो दूल्हा दुल्हन आए, तो शुरुआत करते हैं पप्पा से। अब तुमने अभी जिक्र किया था कि जब फैमिली का कोई और यानी बच्चों का माँ बाप में से कोई अगर ना रहे तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और मेरी जिम्मेदारी इसलिए बहुत बढ़ गई थी कि माशाल्लाह तुम सब अपने घर की थी और अपनी माँ के सामने तुम अपने अपने घरों में खुश खुर्रम थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उनका बेटा और मेरा बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भी अपने घर को महफिल में बैठे लोग अपनी बीवी के साथ जाए मिले। इसी तरह मेरी तन्हाई बहुत ज़्यादा थी घर में, कि मैं और मेरा बेटा दोनों थे, कोई ऐसा घर को जैसे बैचलर्स की तरह से चला रहे थे, इधर कमीजें पड़ी हैं इधर वो पड़। लेकिन अब मेरे अल्लाह की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी बहू मेरी बेटी की शक्ल में वो इस घर में आ गई है, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये घर एक घर भरा पूरा तो इंशाल्लाह हमेशा से रहा, लेकिन अब आपको ये लगेगा कि इसमें मकीन है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस खुशी को। इससे पहले कि मैं सिना से कुछ पूछूं, मैं आपको ग्लिम्स दिखाती हूं हमारी मेहंदी जो हमने अब हमेशा से, चाहे वो मेरी मेहंदी हो, चाहे वो सिना की मेहंदी हो, चाहे वो सवेरा की मेहंदी हो, बड़ी सजी है वो, बड़ा धूम धड़क का हुआ है। तो ऐसे कैसे होता कि हमारे सबसे छोटे भाई की मेहंदी हम ना सजाते। आइए एक छोटा सा क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। फराज मिर्ज़ा वेडिंग्स ने इस क्लिप को शूट किया है। मैं आपकी नज़र करती हूँ जी, हमारे भाई की मेहंदी। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर जी। तो ये हो गई मेहंदी की खुशियाँ। अब इससे पहले कि मैं आपको शादी के ग्लिम्पसेस दिखाऊं, सिना से मैं कहूंगी कि वो क्या कहना चाहिए तलाक के लिए और भाभी के लिए। सिना तुम्हारे पास तो अंबार है, कुछ लिखना हो मेरे लिए। इज मोर लाइक अ सन टू मी, छोटा सा मैं मेरे पास। तुम्हारे लिए तो हम सभी बच्चे हैं, हम तो छोटे से नहीं थे। लेकिन सिना जो है ना, ये जैसे तुमने कुछ जिक्र किया था कि मेरी जब मामता मेरी जरूरत मेरी वालदा से बहुत ज्यादा हमारी दादी दादी जैसी दिखती भी वैसी है और उसके बर्ताव भी वैसी है दादी वाले का। और हम जो अब ट्रीट करते हैं इस घर में, कोई बात बगैर इसके मशवरे के आगे नहीं बढ़ती है। बिल्कुल। खैर तो तलहा की खुशी जो है, मैं मुझे अंदर से महसूस हो रही है कि मेरा भाई खुश है, तो मुझे बस मेरी ज़िंदगी का मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अंदर से मैं खुश हूँ कि मेरा भाई ही इज़ एट ईज़, वो खुश है और वो अपनी पसंद की दुल्हन लेके आया है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे घर को रौनक भर, हमारे घर की रौनक जो है ना मुझे लगता है आ गई है वापस। अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठा रखे इसी तरह खुशहाल रखे इंशाल्लाह। इससे पहले कि सवेरा जो कहे तलहा के लिए, मैं आपको जो शादी जो रुखसती थी उसके कुछ ग्लिम्स हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। आइए चल के देखें। सजाया दादा फूल कलियां, हो दो दिल सा
जी अभी तक जिनको मैंने अपने इंस्टा पे अपनी भाभी की शक्ल नहीं दिखाई थी वो प्रॉपर इस वीडियोस में देख चुके हैं और अब सवेरा कुछ कहना चाहती है तला के लिए। ये हमारी चुलबुली है घर की, सबसे छोटी बहन, और हमेशा जहाँ कुछ उदासी होती है ये उछल कूद करके उस उदासी को दूर करती है। अब ये खुद क्या कहेगी, आइए सुनते हैं। तलहा का और मेरा बहुत मज़ेदार रिलेशनशिप है क्योंकि तुम लोगों की शादी हो गई थी ऑब्वियसली, सो वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। इसको गाइड करना, इसको गालियाँ सिखाना, इसको अच्छी बातें सिखाना, तो इसको वो बुरी बातें नहीं सिखाना बट उससे अवेयर करना कि बाहर जाके दुनिया में कैसे फेस किया जाए सबको। सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिम। पढ़ाना, पिटाना, मारना, मार भी खाई है मुझसे बहुत तलहा ने क्योंकि मैं पढ़ाती थी उसको, तो मैथ पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मार खाई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, अभी भी जब जिस वक्त शादी हो रही थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो छोटा सा है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, जब मैं सुंबल को, तलहा को, दोनों को देखती हूँ, दोनों छोटे छोटे से हाँ, तो आई होप कि इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी और ज़्यादा खुशियों से भरी हुई हो और सुंबल का आना हमारे घर में बहुत ज़्यादा मुबारक। पता है हमें नंद बनना आता नहीं है, समझ नहीं आ रही कि ये वाला जो नया रिलेशनशिप है इसको कैसे, इसके भी कोई कोर्सेज होने चाहिए। क्या हम ज़्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे, क्या हम ज़्यादा घुस तो नहीं रहे, हमें कैसे रहना चाहिए, ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाला वक्त शायद हमें समझाएगा। क्योंकि वैसे नंद का रिश्ता है बहुत बदनाम। हाँ, एक बिल्कुल पतली लाइन है हाँ यहाँ से वहाँ। सो हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों नंदे नहीं, हम उसकी बहनें बने। तला की तो बहनें हैं ही लेकिन सुंबुल की भी बहनें बने। आइए वलीमे का रिसेप्शन का जो पैकेज है वो आपसे शेयर करते हैं एंड फिर दुल्हा दुल्हन आएंगे यहाँ पे, फिर कोई रोना धोना नहीं होगा। खबरदार कोई रोया धो, क्या आंसू गैस की मशीन है इधर। जी मिलाइजा कीजिए। इवेंट्स के छोटे छोटे ग्लिम्स वादे के मुताबिक आपको मैंने दिखा दिया, थैंक्स टू फराज मिर्ज़ा वेडिंग्स के, इन्होंने एक बहुत ही जल्दी में हमें ये छोटे छोटे क्लिप्स बना के दिए, प्रोमो क्लिप्स, और तस्वीरें भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जिनकी तस्वीरें हैं पहले वो तो आपसे शेयर हो जाएं। आइए जी मैं वेलकम करती हूँ, हम तीनों का छोटा भाई, इनका इकलौता बेटा, जिससे हमें समझ नहीं आता कि बड़ा कैसे हो गया और क्या हो गया, हमारी बहुत प्यारी सी भाभी जो इसकी पसंद की और अब हमारी पसंद की भी बन गई। आइए वेलकम करते हैं जिनके बड़े दिनों से चर्चे हैं इंटरनेट पे उनकी शादी के, मिस्टर एंड मिसेज तलहा पाशा। आ जाओ भाई,
ला भाई, ये भी एक वो है, ये बाहर जाएगा ताकि तुम लोग बैठ सको. किधर बैठोगे तुम लोग? उधर बैठोगे? इधर किधर बैठाऊं? अच्छा भाई उधर बैठो सामने. सुना तुम? अच्छा हाँ जी. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल. हाँ नर्वस तो नहीं हो? नहीं. पहली पहली दफा चाहिए? नहीं नहीं. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. मैं का ये समझ रही हूं. हां बहुत अच्छा. बहुत ससुराल में बैठी हूं. इजी इजी फील करो, समझो तुम अपने ससुराल ही आई हो. बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. मैं का है, मेरी शादी यहां हुई, मेरा बेबी शावर यहां हुआ, मेरी बेटी पहली दफा यहां आई और अब तुम लोगों की शादी का सारा इवेंट. हां भाई आज जो है ना तुम लोग, ये हमारे पास एक्सरे मशीन है और अब आज हमें पता चल, हमें पता ही नहीं है कि दोनों मिले कैसे. हमें कोई खबर नहीं है ये कैसे हुआ, झटपट संबुल तला को किधर मिली, हमें कुछ नहीं पता है. सो वो सारी कहानी तला आज टीवी के सामने आपको सब बतानी पड़ेगी. नहीं पापा आपको पता है कैसे मिले थे ये लोग? मुझे तो आज पता लगा कि ये 2019 का मसला है. मैं तो मजे से आज मालूम हुआ, यकीन जानो मुझे, जब इसने एक गिफ्ट क्या है वो 2019 में तलाक को दिया था. फिर उसका मैं भाई साहब. लेकिन भाई हाँ भाई बहुत अच्छा गिफ्ट था जो इसने छुपा के रखा हुआ है ना. हाँ वो सही वक्त पे, सही वक्त पे. चांद को तो वैसे छुपा के रखते हैं ना जी. मतलब शायराना ये कोई डाइजेस्ट पढ़कर आया है आज, क्योंकि मैंने बता दिया था तुमसे हम तुम्हें रोमांटिक जुमले भी बोलने होंगे, तो इसमें इंप्रेशन जानने के लिए कौन सा डाइजेस्ट पढ़कर आया. चांद कह रहे चांद को तो छुपा के रखते हैं. हाँ भाई तो भाई चलो संबुल तुमसे पूछती हूँ, तुमने पहली दफा तलाक को कहाँ देखा? ये भूल जाओ कि अब्बू बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं. स्टार्ट ये करेंगे एंड मैं करूंगी. तला स्टार्ट आप करें. मैं करूं? हाँ वो स्टार्ट का एंड मैं करूंगी. यार देखा तो नहीं था लेकिन हमारी बातचीत फेसबुक पे स्टार्ट हुई. स्टार्ट हुई थी. ये फेसबुक के पापी हैं. लेकिन तुम लोग फिर एक कोचिंग में भी तो थे ना साथ? नहीं कोचिंग में नहीं, फेसबुक पे फिर नंबर एक्सचेंज हुए थे. अच्छा लेकिन ये मैं कसम खा रही हूँ आज तक तला ने इसके घर पे फोन हम सिर्फ बहनों से नहीं कराया कि संबुल को बुला दो. ऐसा मौका तो नहीं आया ना कभी. मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने भाई की हेलो सुनया आंटी संबुल को बुला दे. मुझे बड़ा शौक था ये करने का. तुमने हमसे तो कभी नहीं कराया था लाइक? कुछ खुद भी तो करे ना. तो खुद आवाज बनाते थे क्या? नहीं तो अब तो मोबाइल होता है ना. हाँ अब तो थोड़ी लैंडलाइन पे थोड़ी कॉल करते हैं. हमारे जमाने की बात है. फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई. हाँ. फिर ये जर्मनी चले गए थे, इटली चले गए थे. हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया था. हाँ. फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई. लॉकडाउन में कोई काम था नहीं किसी, तो हम बस बातें वहाँ कोविड का फायदा इन लोगों ने उठाया. बहुत अच्छे से हमने कोविड ने बहुत सारे लोगों के हाथ पीले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर बसे हैं. सो उसमें हमारा भाई भी शामिल हो गया. ये छोटी सी कहानी है जो मुलायजा फरमाई हमने. अब कुछ तस्वीरें शेयर करते हम पहले बताते हैं, पर उसके बाद जरा आपके साथ बहुत सारे दो दो हाथ करने हैं. यहाँ आते हुए सेलिब्रिटीज डरते हैं कि नदा पता नहीं क्या सवाल करेगी, लेकिन तुम ऐसे बदले लूंगी ना जितना तुमने मेरा चश्मा घुमाया था याद है. अच्छा हाँ ब्रेक पे जाने से पहले हम तीनों जो है ना तला के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. अगर वैसे ना तुमसे ही पूछूं, बल्कि पापा आपसे शुरू करते हैं, कोई एक तला की बुरी आदत बताएं. संबुल को बता रहे हैं ना हम जरा. एक है लेकिन वो शायद यहाँ ऑनियर गेट. अच्छा मैं तला की एक आदत बताती हूँ. मैं तला को बोलूंगी 1000 रुपये लो बेटा, डबल रोटी लेके आना, अंडे लेके आना. 200 रुपए के अगर आएंगे तो 800 रुपए वापस नहीं करेंगे. तला पैसे दो. तो ये तला की बड़ी बुरी आदत. हर घर का छोटा बच्चा जो है ना उसकी आदत होती है. कमाई है यही कमाई होती है छोटे बच्चे. ये क्या बात है? देखिए दीज आर कॉल्ड सर्विस चार्जेस. याद है? हाँ भाई अब्बू आप बताएं आपको ये तला की. हम संबुल को बता देना जरा. एक तो ये सोने का बड़ा जाती है, जब सो जाता है ना उसको उठना बड़ा, उठाना बड़ा. ओहो ओहो. लेकिन फिर इसने आदत जो इसको डेवलप किया जब इसकी जॉब लगी ना. हाँ. उसके बाद इसकी जॉब टाइमिंग्स भी, क्योंकि बहसियत शेफ ये शाम को ज्यादा इसकी. हाँ. वो होती थी तो इसीलिए 4-5 बजे ये चला जाता था और रात को 3 बजे ये आता था. अच्छा. लेकिन उस पर फिर टाइमिंग से ही उठता था.
अगर जैसे जाना है दोपहर को कोई अपॉइंटमेंट है किसी जाना है, ये उठ जाता था मतलब इसकी ये चीज़ डेवलप हुई जॉब में आने के बाद। तो शायद अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा सोतू है, गिव छोटा आंसर ये है, थोड़ा सा सोतू। चलो इसे ना तुम बताओ, टालता बहुत हर काम को, अच्छा कर लूंगा इसका बेका के जोड़े का पजामा अल्टर होना था बेका की सुबह इसने करवाया दादा वो जाके, मैं इसको डांट डांट के मैंने इसके हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हाथ पे थमादी लाके, लेकिन वो जो चीज थी अपा कर लूंगा और इवेंचुअली इसके कमरे के तकिए जो है ना, वो जब ये लोग आने वाले थे ना अपने होटल से वापस, तो मैं लेके आई हूँ, वो भी नहीं इन्होंने तकिए भी नहीं लाए, तकिए मैं लेके आई हूँ इसको, अपा कर लूंगा अपा कर लूंगा, ये मुझे इसकी बहुत भी लगती है, ये टालता है, इसको सही करना है इसको। चलो भैया तुम बताओ, इससे तो मेरे ख्याल से सुम्बुल भी अग्री करेगी, तलहा बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस डट के एक्सप्रेस नहीं करता। हाँ। मतलब मुझे याद है कि एक दफा किसी ओकेजन पे मैं इसकी गोद में सर रख के रो रही थी। हाँ। तो ये यूं बैठा हुआ था तलहा हाथ तो फेरो, तो कहता है हाँ हाँ फेर रहो फेर रहो। थोड़ा सा हमारे घर के जितने एक्सप्रेसिव हम है, थोड़े से आप पत्थर के आदमी है। हाँ। सो वो पथीलापन संभल दूर, सही हो गया हूँ, सही हो गया हूँ, पत्थर पिघल गया। तो ये डाइजेस्ट पढ़ कर आए हैं, गौर कर रहा है भाई, चांद को पेड़ मार रहा है भाई, चांद को छुपा के रखा, दूसरा जुमला पत्थर पिघल गया, पत्थर पिघल गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जो मस्तियां हमने शायद सारी जिंदगी नहीं की तलाश है, सारे बदले लेंगे। अब हम रहो पत्थर के आदमी बेटा, आज बताते हैं तुम्हें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज आपकी मुलाकात हो रही है मेरी फैमिली से, मेरे मैके वालों से, मेरी भाई भाभी से, और हमने शुरू में ही हमने पार्टी बदल ली है, तला तुम अकेले रह गए हो, हम तो संबुल की साइड हैं, और हम मैंने कुछ एक्टिविटीज ऐसी बनाई हैं जिसमें सारी शर्तें संबुल तुम भी मनवा सकती हो तला से, आज ऑन रिकॉर्ड मनवा लो ताकि कल को ये मुकरे ना, और तला तुम भी मनवा लो संबुल से। चलो थोड़ा सा तुम्हें भी साइड दे देती हूँ, आ जाओ तुम दोनों। अब तुम दोनों को करना क्या है कि एक बारी है संबुल की, एक बारी है तला की, और कोई भी रिबन जो है ब्लू रिबन, तला आपके हैं, इस तरफ आओ या अंदर आओ, कैमरे सारे उधर हैं, तला उस तरफ मुंह करो। चलो तुम्हारी कोई भी मर्जी है, तुम्हारी बारी आएगी संबुल, तुम कोई भी रिबन खींचोगी और उसके रिबन के अंदर से फूल तो निकलेंगे, बहुत सारे फूल हमने भी तुम्हारे ऊपर डाले लेकिन अब यहाँ और भी डालेंगे, उसमें से एक पर्ची निकलेगी और वो होगी किसी शर्त की पर्ची, जो वादा तुमने यहाँ ऑन एयर तला से मनवा लेना है कि सारी जिंदगी वो वादा निभाएगा, और वाइस वर्सा तला आपने भी वो वादा निभा लेना है, ठीक है? अब आई डोंट नो कि कौन सी पर्ची किस टोकरी के अंदर है, देखते हैं भाई कौन कौन से वादे निभाने का आप लोगों को वादे करवाने का मौका मिलता है। सुबुल तुमसे शुरू करते हैं, कोई भी टोकरी जाओ उसके नीचे और अपने ऊपर फूल गिराओ, ये और कहो ये हाँ जी, पर्ची पे जो वादा लिखा है तला गौर से सुनिए जरा। डिंग 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 डिंग, बल्कि ये जो है ये सुम्बुल का वादा है, ठीक है? ये सुम्बुल ने वादा किया है, गुस्से में भी सुम्बुल सुन लो, गुस्से में भी मैं आपको मुस्कुरा के डील करूंगी। सुम्बुल ये तुमने अपने अल्फाज में बोलना है, चलो। आई प्रॉमिस यू तलहा, मैं गुस्से में भी हमेशा आपको मुस्कुरा के डील करूंगी जैसे करती आ रही हूं हमेशा। कैसे 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 मोदी बहन की बाथरूम से चले गए बता दो। चलो ये तलहा तुम्हारी बारी, अब देखते हैं तुम्हारे पास कौन सा वादा आता है। ये हाँ जी, देखते हैं कि तला के ऊपर कौन सा वादा है। गलती ना होते हुए भी माफी मांगने में पहल करूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है भैया, सोच लो लाइक फादर। तला वादा करें पहले, फिर होगी बोलो ना। हाँ पहले वादा करें, ये बोलो आवाज अटक गई। गलती ना होते हुए भी माफी मांगने में हमेशा पहल करूंगा। गलती ना होते हुए भी हमेशा माफी मांगने में माफी मांगते हुए पहल करूंगा। पहल पक्का पक्का वादा है, पक्का पक्का। इतनी मुश्किल से निकला है ना, मतलब अंदर आवाज ही चली गई। चलो भाई अगला अगला वादा। अब
अभी संभल की बारी। ओके, अब क्या वादा है? दोस्तों के साथ चाहे जितना टाइम स्पेंड करें कभी शिकायत नहीं करो। इस चीज का वादा मैंने किया। शादी हो गई है ना, तो अब नहीं, अब ये बर्दाश्त नहीं, नहीं ये बर्दाश्त नहीं। चलो भाई, एक वादा यहाँ से नहीं हो रहा तो तुम्हें भी मार्जिन मिल रहा है कि तुम एक वादे से मुकर सको। गिव एंड टेक सोच लो। ओके भाई, ये तो वादा नहीं किया, नेक्स्ट वादा। देखते हैं कि अब तलाक की तरफ क्या वादा आता है। घर की हर दावत में बेगम के साथ मिलकर काम करवाऊंगा। जब भी मेरी बहनें आएंगी मैं पता नहीं कौन कौन सी मुर्गन गिजाएं बनाऊंगा, खुद खड़ा। अगर थका हुआ तो सॉरी। नहीं नहीं, साफ 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 वादा करो जो लिखा है, थका वका नहीं। चलने वादा, कोई बात नहीं, मैं कट करके दे दूंगी सब सामान। चलो ये सही है, छोटा बन जाएगी ये, ये अच्छा है, प्रेप करके दे दूंगी। जब भी दावत होगी हाथ बटाऊंगा। सही है, बोलो खाना मैं ही पकाऊंगा ना, मतलब शेफ होने का क्या फायदा है। बावर्ची तो मैं ही हूं। नहीं, मैं आपको कट करके दे दूंगी सारा सामान, छोटा छोटा बन जाएगी। देखो पाकिस्तान में इसको बावर्ची नहीं कहते, आप इटली से फ्लोरेंस से कोर्स करके आए हैं। घर में तो बावर्ची है ना। तो आप शेफ हैं, ठीक है ना? हाँ ओके, चलो भाई संभल। बेखुदी सीन। अगली शर्त है भाई, ये लें जी, अगली शर्त है आपके साथ जाके हमेशा कम कीमत चीजों पर हाथ रखूंगी। हाँ, वो अभी भी है। हाँ, अभी भी, हाँ, हाँ, हमेशा ही। Okay. अभी भी है। उल्टा मुझे, उल्टा मुझे डांटती है। महंगी चीज क्यों ले रहे हो भाई? यार गुड क्वालिटी। इसके लिए तो ये जरूरी है वैसे, हमेशा वो जाके रखता है महंगी। तुम अपने हाथ देखो, नहीं थी महंगी चीज, मैंने क्या जरूरत है, जब मिल रही है तो रीजन ले लें। सही है, सही है। चलो भाई गुड है, ये तो हो गया। चलो चला तुम्हारी बारी। हाँ भाई, पता तो चले दुल्हा दुल्हन है, एक साथ ही झाड़ लेना बहन। हाँ, दो। ओके, हर कुछ अरसे बाद तुम्हारे बिना कहे ही जेब खर्च के पैसे बढ़ाऊंगा। वादा करो। वाह, वादा करो। देखो रंग उड़ गया चेहरे। बिना कहे जो है आपकी जेब खर्च आपको बड़ी भी मिल जाएगी। चलो गुड है, गुड है। अगला वादा, चलो भाई सुम्बुल, सारी नंदे तुम्हारी साइड हो गई हैं अभी। अब देखते हैं सुम्बुल के पास कौन सी शर्त आई है भाई। कभी भी आपका मोबाइल चेक नहीं करूंगी। वो हो चुका है। क्या मोबाइल चेक हो चुका है? अच्छा, तुमने अपना डाल दिया पासवर्ड। जी हो चुका है। ओ मेरे खुदा, चेक हो चुका है। कोई चांस नहीं है भाई, सोच लो। चेक हो गया है, मतलब यहाँ दो वादों से वो मुकर चुकी है। तो हाँ, मार्जिन है तुम्हारे पास, दो वादों का मार्जिन पहले ही कर दिया, पहले ही कर दिया चेक। वो हो चुका है, चेक पूरा हो चुका है मोबाइल। नहीं, बट अब आगे चेक करोगी कि नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तला सुनो, तुम सारी चीजें डिलीट कर यार। ये ये रूल जो है, ये तो निकालना लिखवाना चाहिए कि बेगम को इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल, मोबाइल का पासवर्ड बताना चाहिए। हाँ, करती रहूंगी। ये तो निकालना में लिखा है। बाकी कुछ चीजें इंसान को ना पता हो तो ही कुछ। इसकी आंखें भी तेज है, चश्मा नहीं लगाती। चलो भाई तला, तुम्हारी बारी, नेक्स्ट तला। हट जाएगा बात, नहीं बुरा लगता। ओके, जब भी बोलोगी फटाफट मैं के लेकर जाऊंगा। जब भी बोलोगी फटाफट ले जाऊंगा, कभी भी। ये अभी भी करता हूँ, अभी भी नहीं, अभी भी करता हूँ। इसका स्टाइल पता क्या था? जब भी बोलोगी फटाफट मैं के लेकर जाऊंगा, छोड़ के आ जाऊंगा दोस्तों के साथ।
अभी भाई कितने दिन हुए शादी को? एक हफ्ता चला एक हफ्ता भी नहीं असल में ये से कमिट क्लियर कर लिया कि मैं का है कर 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है ना, अगर दूर दराज होता ना कहीं तो फिर नखरे करता। ओके चलो भाई संभल, नेक्स्ट नेक्स्ट शर्त वो कौन सी रह गई सर? ये वाली बस, ये आखिरी शर्त है ना। के पास कौन सी? कहीं कभी कहीं ले जाने का प्लान अगर भूल जाएंगे तो शिकवा नहीं करूंगी। अरे नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, कोई बात समझूंगी ना। हाँ नहीं करूंगी, समझूंगी प्रॉब्लम। चलो यार ये तो अच्छा। हाँ समझूंगी, कोई बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड है ये डीवीडी गिफ्ट करूंगी तुम्हें। तुम इसका लूप चलाते रहना तला घर में। तुम भी ना ये डीवीडी जो इसका पोर्शन एडिट करके दूंगी इसके घर में ना, जो तुम्हारे टीवी है उसके ऊपर लूप चलता है। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। समझूंगी प्रॉब्लम जो। चलो भाई तला आखिरी शर्त। ऑफिस से रोज हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल्स करूंगा। करते हैं कभी कभी काम के दौरान लेट हो जाओ ना मेरी शाम आता है। मैं क्या करूं, मैं बेटा 13 साल बाद पहले हमें भी आते थे हर थोड़े दिन बाद थोड़ी देर में फोन, अब पूरा दिन गुजर जाता है तो याद आता है अच्छा बेगम भी है। तो ये सारी जिंदगी का वादा ही, अभी कुछ दिनों का नहीं है, पूरी है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। हाँ जी ये उठाइए भाई शर्तों की पिटारी। मैं आपको एक दफा दोबारा क्लिप्स दिखाना चाहूंगी मेहंदी की, जो छोटे से क्लिप्स हैं जो मेहंदी की रौनक हमारे घर में लगी हुई थी। आइए आपसे शेयर करती हूँ, जरा चल के देखते हैं फिर मैं जरा सुम्बुल का मेकअप उसके कपड़े डेकोर उसमें भी बात करते हैं ना, लोगों को बहुत मजा आता है वो सुनने में। दिखाइए जी बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा जी। अच्छा भाई ये आपने देखी है मेहंदी के, अगर हम मेहंदी से शुरू करते हैं, मेहंदी की तैयारियों से एक शदीद तैयारी होती है मेहंदी। हमने 2 महीने पहले सवेरा डांस की प्रैक्टिस से शुरू कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। सिना जो है जब हमारी शादियां हुई तो सिना मेडले बनाती थी, अब मेडले बनाने की जिम्मेदारी सिना के बेटे ने मोहम्मद जो हमारा सबसे बड़ा भांजा है सिना का बेटा, उसने मेडले बनाने की जिम्मेदारी ली और हम 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। So, हमने डांस की प्रैक्टिस की। ये तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है सवेरा, हमारे घर में डांस है, ये सबको सिखाती है। मुझे बहुत मुश्किल हुई डांस सीखने में। नहीं कोई ऐसे नहीं। हाँ, वो तुमने जब हम अगले हफ्ते जो है वापस आते करीब थे, हो जाओ अभी शादी को 2 दिन हुए करीब। हाँ, जब हम अगले हफ्ते वापस आते थे तो निदा सब भूल चुकी थी। हाँ, सारा डांस फिर हमें नए सिरे से फिर से सिखाना पड़ता। ओहो, मतलब मैं होस्टिंग नहीं भूल सकती लेकिन बहुत मुश्किल। अच्छा जो सुम्बुल की अगर मैं तस्वीर शेयर करूँ, हम मेहंदी की तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं सुम्बुल के कपड़ों के बारे में बात करूँ। जरा तस्वीरें दिखाएं मेहंदी वाला जो हमने बनाई है ताकि फिर मैं कपड़ों के बारे में बात कर सकूं, सबको थैंक यू कर सकूं। सुम्बुल का जो मेहंदी का ड्रेस है वो सुम्बुल की लाई ना पिक्चर, सुम्बुल का मेहंदी का ड्रेस वो काशी इसकी तरफ से था, काशी का ड्रेस था। जो ज्वेलरी थी सुम्बुल की, कोई क्लोज शॉट आए तो ज़रा मैं जिक्र। हाँ ये ज्वेलरी जो है ये वोरा की थी, ड्रेस काशी का था, मेकअप एरिक का था, जो इनकी मेहंदी का डेकोर था ये इनोवेटिव इवेंट्स का था और पापा के घर के बाहर ही हमने सेटअप किया था। वहाँ ही सिना की मेरी सवेरा की मेहंदी हुई तो वो एक सिलसिला रिवायत चल गई थी, तला की भी वहीं करनी थी, हमने वहीं की। और खुद गर्ल्स बैंड आया था वहाँ, उन्होंने अपना
अपने गाने से महसूस किया, सबको परफॉर्म किया था उन्होंने। ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत अच्छा है ना। हाँ। बहुत अच्छा ड्रेस था। और कैसा लगा जो लगी हाथ पे, जो मेहंदी लगी वो भी काशी से। हाँ, जो हाथ पे मेहंदी लगी वो भी काशी की थी। तो सुमल तुम्हें कैसा लगा काशी के कपड़े? मेहंदी का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, पहनने के बाद मेकअप हुआ तो पूरा ड्रेस निकल के आ गया। एरिक ने तुम्हारा मेकअप किया था। एरिक गिल ने, बहुत ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट मैंने, आपने जो बताया, एरिक गिल को मैंने खुद चूज, एंगेजमेंट का, मेहंदी, बारात, सब का मेकअप एरिक गिल ने ही किया था। बहुत खूबसूरत, वली में तो खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया, एंड कर दिया था एरिक गिल। अच्छा, और फिर हम जो खाना था वो भी बहुत अच्छा था, ग्रैंड केटरिंग का खाना था। और जो हमें डांसेस याद कराए हैं ना, वो राजू ने कराए हैं, राजू कोरियोग्राफर से आप लोग वाकिफ हैं, उसने हमारे पर बड़ी मेहनत की है। मतलब वो जो पत्थर, मैं भी थी वहाँ डांस में, उसने बड़ी हेल्प आई। हाँ, बोलो। दुल्हन की शादी का जो ज्वेलरी थी वो क्रिस्टल ज्वेलर्स की थी। हाँ, जो हमने लाइक उनको शादी पे की थी, जो वो क्रिस्टल ज्वेलर्स शादी पे आएंगे, शादी का ये मेहंदी के हो गए सारे चीजें। ओके, अब हम दिखाते हैं शादी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ, ओके, इनकी दिखा दी सारी मेहंदी की। अच्छा, मेहंदी पे मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो जो सेलिब्रिटीज आए, पापा नादिया खान थी, माया थी जी, जी बहुत, एजाज थे, फैसल कुरैशी, सादिया इमाम, आगा अली, जर्नेश, अदान सिद्दीकी, नाजिश जहांगीर, शबीर, शबीर जान, एहसन खान, बहरोज सब्जवारी, मानी हिरा, और मुनीब, बुशरा अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस बुशरा अंसारी, और कोई रह तो नहीं गया, कुमार, वो थे हनीफ राजा, और सोनिया हुसैन। नहीं, सोनिया तो वली में पे आई ना, हमारे बांट लिया था सबने, आधे उधर चले जाए आधे उधर। सो उनका सबका शुक्रिया, सारे जितने भी मेहमान थे हमारे, मेहंदी के रिश्तेदार थे सब, उनका भी शुक्रिया। आइए जी, दिखाते हैं आपको शादी की तस्वीरें। ये देखिए जी, दुल्हा शादी का जोड़ा भी काशी का था जी, सुम्बुल का मेकअप एरिक गिल का था, ज्वेलरी हमारी क्रिस्टल ज्वेलर की थी जो गोल्ड की थी, और जो टीका और नाथ और ये झूमर है ये वोरा ज्वेलर्स का था। हाय हाय, फराज मिर्जा वेडिंग्स ने पिक्चर्स खींची हैं, वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर, मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के, बड़ी आर्टिस्टिक पिक्चर्स हैं, अभी थोड़ी सी शेयर की है हमसे। अच्छा, सब जब ये मैंने तस्वीर शेयर की ना सुम्बुल, सब कहने लगे इकरा अजीज है ये। हाँ, सब इकरा अजीज की पिक्चर। ये देखें ज्वेलरी, काशी का जोड़ा बहुत अच्छा था। अब जो ट्रेंड चल गया ना आउटडोर फोटोग्राफी का, दैट इज अमेजिंग, है ना, उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत मजेदार, नेचुरल लाइट का, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मेरे जो कपड़े हैं वो थे कमल मलिक, लाहौर की बहुत खूबसूरत कपड़े बनाती हैं कमल मलिक, डिजाइनर हैं, उनके कपड़े थे। सवेरा, तुम्हारे कपड़े जो थे निसाबाय महरीन के थे। सना, तुम्हारे अपने कपड़े थे। पापा, आपके भी अपने थे। तला के भी अपने थे। ओके, हाँ जी, तो ये हो गए। अब वलीमे का दिखा दें, सब बता देना एक साथ, एक साथ ही सारे जो है वो। अच्छा, हाँ, जो जो मेरी मेहंदी की जो ज्वेलरी थी वो थी एलोर, जो एलोर डिजाइनर है उनकी, और माथा पट्टी बोहरा की थी, और कपड़े जहीर अब्बास ने बना के दिए। ओके जी, वलीमा की जो देखें भाई, वलीमे का जो ड्रेस है मेरी भाभी का, वो हारिश शकील ने बहुत ही प्यार से बनाया, ज्वेलरी वोहरा डिजाइनर की थी, मेकअप एरिक गिल का था, और तला के सब चीजें अपनी थी। शूटिंग जहाँ हुई वो घर मेरा था, और कुछ रह गया। और सुम्बल अपने माँ बाप की थी। अब हमारी हो गई। हमारी है। जी, मेडेलियन बैंक्वेट में इन लोगों का रिसेप्शन हुआ था, बहुत अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा रिसेप्शन था, ग्रैंड केटरिंग वालों ने खाना किया था, खाना भी और खाना बच भी गया, हम घर भी लेकर दोनों का खाया, अच्छा बरकत वाला खाना, खाना बहुत मजे का था, हर किसी बदामी कोरमा, क्या बात थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, बदामी कोरमे की बातें हो रही है जी, ये जिक्र हुआ। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और फिर सुम्बुल अब तुम रेडी हो जाओ, तुमसे हम सवालात की बोछार करेंगे, तुमने अंदाजे लगाने, क्योंकि तुम अभी बहुत अच्छे से ना सना को जानती हो, ना सवेरा को जानती हो, ना मुझे जानती हो, ना पापा को जानती हो। अब वो और बात है, तला ने सारी डॉक्यूमेंट्री बना दी हमारी, आई डोंट नो क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है, करास फाश होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग मैके वालों,
मिलिए मेरे मैके वालों। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं अपनी भाई भाभी के साथ बहुत मजे का सेगमेंट करने वाली हूँ। खुद भी डर रही हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा। वो कहते हैं ना, नंदों का रिश्ता थोड़ा सा बदनाम है, सेना सवेरा रेडी रहो। अब हमें भी बहुत सारे जुमले सुनने पड़ेंगे। कोई नहीं, इट्स अ गेम। ये तो है, ये है, सारे रिश्ते एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। वही वाली बात है, मिर्च मसाले जिंदगी का एक, वो कहते हैं स्पाइस ऑफ लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक एक्टिविटी मेरी टीम ने तैयार की है, मेरा आइडिया नहीं था ये, सुन लो सब लोग। मेरी टीम ने एक एक्टिविटी तैयार की है, सवेरा की तस्वीर, सेना की तस्वीर और निदा की तस्वीर। सबसे बड़ी नंद मैं हूँ, फिर ये मंजली नंद है सेना, और सबसे छोटी नंद सवेरा है। अब कुछ सवाल के जवाब सुम्बुल यानी हमारी भाभी हमें डांट मार के, मैंने कहा जितना वो है ना शौक है वो अभी पूरा कर लो, बाद में मौका नहीं देंगे हम। सो अब हम, मैं कुछ सवाल करूंगी, और क्योंकि सुम्बुल अभी हमें पूरी तरह से जानती नहीं है, इंसान शादी के बाद ही एक्चुअली जान पाता है जब रहता है साथ। अभी तो पता नहीं तला ने हमारी क्या क्या तस्वीरें दिखाई होंगी, डॉक्यूमेंट्री। तो अब जो सवाल मैं करूंगी सुम्बुल, उसका जवाब हम तीनों नंदों में से बड़ी, मंजली और छोटी नंद में से हमारे ऊपर डांट मार के जो है वो करेगी। हम नहीं माइंड करते भाई, कोई बात नहीं सुम्बुल, कॉन्फिडेंट। तो पहला सवाल, डांट भाई ने पकड़ा है मेरे। अच्छा हाँ, पकड़ लो, कोई बात नहीं। ओके जी, पहला सवाल सुम्बुल, तुम्हें कौन लगता है हम तीनों में से कंपैरेटिवली, वैसे तो हम लोग बड़े ठंडे लोग हैं, पापा पे ही गए हैं, दूर दूर से हमें गुस्सा ही नहीं आता मतलब, लेकिन इन ठंडे लोगों में जरा दो कम ठंडे एक थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से गुस्से का तेज कौन होगा? वैसे ही एट अ टाइम तीनों पे डांट मार सकते हैं, देखते हैं। मैं भी बैठ गया, अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है? अब्बू की तस्वीर नहीं है लेकिन अब्बू के पेट पे नहीं मार देना, मार सकती हो, मार दूं। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कौन है गुस्से का तेज? ये देखा इसने बच्चों को डांटते हुए, ये इस नंद को इसने, ये सिना जो है वो माशाल्लाह उसकी आवाज हमारी दादी पे गई है, तो इसलिए सुम्बुल को लगा है कि गुस्से की तेज सिना है। सिना क्या हकीकत है, तुम लोग बताओ। सिना तुम्हें क्या लगता है? 100% डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री। ओके नेक्स्ट सवाल, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा चलो, गुस्से की तेज तो सेना हो गई, अब बची तुम्हारे पास दो नंदे, एक निदा और एक सवेरा, इन दोनों में से ज्यादा ठंडे मिजाज का कौन है? इन दोनों में से सवेरा, और ये बिल्कुल सही जवाब सवेरा। तुम सिर्फ किस पे गुस्सा करती हो, अली पे? मैं जमानत देता हूं, ठंडा में था। ओके भाई, बहुत ज्यादा ठंडा में। ओके, तीनों का एक दफा तुम मीटर घूमते हुए देख लो, जब हम कितनी फिरकी घूमती है, जब हम तीनों की लड़ाई होगी तो तुम जरूर देखना, बस वीडियो वायरल नहीं करना। हम सबका मीटर एक जैसा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, घूमता एक ही तरीके, और इसकी आवाज कभी खराब नहीं होती, चीख के मेरी बैठ जाती है, ये रोने लगती है, क्या लगता है कि किन इन तीनों नंदों में से, निदा सिना और सवेरा में से, तुम्हारी जो पसंद है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ पसंद है इन तीनों नंदों में से किसकी? मैच करती नहीं, चॉइस मैच नहीं करती, तुम्हारी चॉइस और इन तीनों में से किसी एक नंद की चॉइस जो मैच नहीं करती, तो मैच बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल मैच नहीं करती, यानी तीनों की करती हैं, थोड़ी सी जो कम मैच करती है वो तीनों में से कौन है, सवेरा सिना या निदा? मेरी, हाँ तुम, वो दिल नहीं था ना इसलिए गिरी। ओके, किसका पहनने ओढ़ने का ढंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है इन तीनों नंदों में? छोटी इसको है सबसे ज्यादा पहनने ओढ़ने। हाय 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 हाय। ओके भाई, ओके, तला को अगर डांट पड़वानी हो तो आप किस नंद से राब्ता करेंगी? तला को अगर डांट पड़वानी हो, ये मंजली नंद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मंजली नंद, ये माजी है ये। ओके ओके, आपको क्या लगता है कि इन तीनों नंदों में से बड़ी वाली नंद निदा, मंजली नंद सिना और छोटी नंद सवेरा, ज्यादा आना जाना किस नंद का होगा, क्या लगता है आपको?
आना जाना किस नाम ज्यादा आना ज्यादा आना कंपैरेटिवली घर पे करीब रहता है करीब रहता है इस वजह से ओके अच्छा आपको कौन क्या लगता है कि इन तीनों नंदों में से आपको ज्यादा बेहतर यानी अपने मैके वालों के अलावा इन तीनों नंदों में से ज्यादा बेहतर घरेलू टिप्स कौन देगा घरेलू टिप्स के अभी तक किसने दिए ये बता दूं अभी तक किसने दिया होगा क्योंकि अब इसकी बेचारी को पता ही नहीं ना आगे क्या होगा ले खुद इस तरह 10 साल बाद तुम खाना पकाना सीखा है खाना पकाने के लिए घरेलू कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं मुझे बताइए जो मुझे बहुत काम आई किचन की टिप्स तो आप यहाँ से मिलती किचन की टिप्स तो सुना एक मिनट इधर हम लिपस्टिक साफ कर लें हम स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही ओके नेक्स्ट सवाल घर का बजट बनाने के लिए किससे मशवरा करेगी अभी नहीं अभी तो तुम ऐश करो जब आगे घर का बजट बनाने के लिए सुम्बुल किस नन से मशवरा करेगी चाहो तो ससुर को डांट अब वो हाँ बता दे अब वो अपनी टोपी में रखे अब्बू अभी तो अब्बू से हाँ करती हैं हाँ अब्बू बता देते हैं सब सही है चलो सेना बाजी वैसे सेना बाजी से करूंगी वो करीब भी है तो इजीली आ जाएगी सही है चलो भाई सेना मशवरा कर दो तुम बस सेना बताएगी सौदा यहाँ से जो है अच्छी कीमत का मिलता है वहाँ जाओ क्या कौन सी गोल पापा से तो मत करना जितना हमारे 6 लोगों का घर का खर्चा है ना वो 2 लोगों का घर का खर्चा है तो अभी से बता दिया पापा से नहीं करो पापा से नहीं करो ओके नहीं पता सर किसी से कहा से ससुर को अगर कभी हैंडल करना पड़े क्योंकि ये तुम्हारे ससुर भी है और सास भी है तो तुम किस नन से मशवरा करोगी कि अब्बू को कैसे मनाऊं अब्बू को कैसे बहलाऊं फुसलाऊं सो वो किस नन का तुम सहारा लोगी निदा सिन्हा या सवेरा ये निदा को पटाना आता है सबको ओके मैं फेवर में जाता सवेरा के सवेरा के हाँ चलो भाई तुम्हें अब पता चल गया अब्बू ने बता दिया अगर अब्बू को बहलाना फुसलाना है मजे की बात ये कि मुझे खुद भी नहीं पता ये बात ये तो समझने वाले पे है ना कि किसकी बात समझ आ जाए अच्छा अगर कभी अपने दिल का हाल किसी से बयान करना है वो तो जो बहनों से करता है बंदा वो वाली चीज अगर करनी है तो किस नन का सहारा लोगे मियां को मियां से मियां को छोड़ के मियां को डांट नहीं मारना मुझे छोड़ दो मैं भी हो ही नहीं मियां गया है इटली गया है एक और कोर्स करने इटली चले गई है सवेरा ओके सो भाई ये हो गई बातें इससे पहले कि भाई हम आगे बढ़े अपने शो को आगे चलो जरा शादी का क्लिप दिखाओ और ये हटाओ शादी का क्लिप दिखाएं हमारे ग्लिम्सेस दिखाएं तेरे नू सजाया डाडा फूल कलियां हो दो दिल सांजे हीर ते रांजे जश्न मनाओ यारो केंदी ए सनाई आया लाड़िए नी मेरा सिरियां वाला वाला ब्याह
ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी हम फ्री हो गए अपने भाई की शादी से और भाई भाभी यहाँ हैं अब्बू दो बहनें यहाँ हैं और हम मस्तियाँ कर रहे हैं आपस में बैठ के जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं ये हमने की नहीं रस्में ये वाली चीज रह गई मुझे तो करनी थी डांस ही हुआ है और कुछ भी कोई बात नहीं हम अभी कर लेते हैं कोई टेंशन नहीं है वो फोटोग्राफर्स जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि सारे सब ने आगे से घेर लिया अब कोई फोटोग्राफर नहीं होगा अली के अलावा यहाँ पे सिर्फ एक फोटोग्राफर होगा अपनी भाभी की रस्में भी करेंगे ठीक है ना रेडी है ना आप लोग अच्छा उससे पहले हम इन दोनों के जरा हम भी तो जान पाए ना हमें तो पता ही नहीं है हमें भी सुंबुल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता अब हमारी बारी है जानने की चलो एक कुर्सी का रुख जो है उस पर सुंबुल बैठेगी एक पे तला बैठेगा तला और सुंबुल दोनों के हाथ में टाई और लिपस्टिक है अब मैं सवाल करूंगी तुम लोगों की पर्सनालिटी के बारे में और अगर तुम्हें लगता है उसका जवाब का हकदार जो है सुंबुल है तो तुम अपनी लिपस्टिक उठा लोगे अगर लगता है सुंबुल तुम्हें कि उसका जवाब जो है तुम्हें तला का नाम लेना है तो तुम टाई उठा लो चलो आज बैठो पापा आप भी जान लें मैं आपको मौका दे रही हूँ आपकी बहू को जानने का क्योंकि अभी से दो दिन हुए शादी ओके जी रेडी हैं आप लोग दो पहला सवाल जो कि हमें पहले से पता है लेकिन फिर भी इनसाइड कौन ज्यादा बातूनी है लिपस्टिक या टाई सही मुझे नजर नहीं आया कौन कौन नजर आया उधर कैमरे में उधर दिखाएं लिपस्टिक 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 तुम्हारा कैमरा ही है सुंबुल हाँ, मेरा देखा अच्छा सही है सुंबुल ज्यादा बातूनी है ये हम सबको पता है एक्चुअली तला बहुत चुप है तला हाँ, चुप है सुंबुल नॉर्मल बोलती है लेकिन तला चुप है बहुत इस वजह से वो ये गड़बड़ है वैसे सुंबुल वैसे तुम लोग ये फोन पे तुमसे बातें करते हैं हां हां करते हैं बहुत ज्यादा हां करते हैं हमें भी इसको फोन ही करना नहीं करता फोन पे झूठ बोल रहा है करते हैं ओके अच्छा क्या लगता है कौन ज्यादा नखरीला है खाने पीने में पहनने ओढ़ने में आने जाने में दोनों के मुकाबले में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा नखरीला है दूल्हा भाई अभी से बोल रहा है भाई के सुंबुल तुम्हारा नाम ले दिया सुंबुल कह रही है तलहा नहीं अच्छा मैं ये देखो अच्छा नहीं है मुझे कंपैटिबिलिटी राउंड है बेटा ये एक एक पॉइंट गया तुम लोगों का अच्छा एक पॉइंट गया ओके अपने भी उठा ओके कौन गुस्से का तेज है सुंबुल सुंबुल कह रही है ये क्या सुंबुल तुम खुद कह रही हो अच्छा भाई सही है बिल्कुल सही जवाब सुंबुल के कौन चटपटे खानों का शौकीन है चाट पापड़ी पानी पूरी चटोरा कौन है सुंबुल ही चटोरी है भाई दोनों सही जवाब सुंबुल तुम्हें पता कैसे चला चेंज किया नजर से सवाल सुना नहीं नहीं हमने सवाल ठीक से अब सुना था अच्छा ओके अच्छा कौन बातों को एग्जैजरेट करता है बतंगड़ बनाता है छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाता है कौन दोनों में से होय होय सुंबुल ये तो सुंबुल उससे पहले का जो लाफ्टर आया ना वो देखने वाला था ओके नेक्स्ट सवाल कौन बिना सोचे पैसे खर्च करने चला जाता है नहीं कोई बिना सोचे कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं वो तो कह रहे हैं मतलब दोनों के मुकाबले दोनों के मुकाबले दोनों के मुकाबले ओके तला हाँ कौन सामने वाले की बात इशारे में ही समझ जाता है और कौन पूछता है क्या कह रही हो आप ही क्या कह रही हो आंखें दिखा रही हो ना जब तला को आप ही क्या कह रही हो आंखें क्या कह रही हो आंखें दिखा रही हो ओके सुंबुल हाँ कौन सुबह सवेरे उठ जाता है कौन तला हाँ ओके वाह कौन अब्बू कह रहे हैं बदल गया कौन घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन है वो तला तो कह रहे दोनों दोनों हाँ दोनों दोनों है ओके हाँ कौन ज्यादा चिड़चिड़ा है नींद से उठा दो बस चिड़चिड़ा है क्या है सवाल क्या है चिड़चिड़ा है नींद से उठा दो भूख लग रही है
यहाँ सुंबल कह रही है तला और तला कह रहा है सुंबल होए 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 दो दिन हुए शादी को कौन दूसरों से ज्यादा कौन दूसरे से ज्यादा नरम दिल है दूसरे से ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली एक दूसरे में ज्यादा नरम दिल कौन है सवाल को इस तरह करो ना कि सुंबल ज्यादा नरम दिल है या तला ज्यादा नरम है ना ये उठाऊंगी तला है अच्छा तला को लग रहा है सुंबल और सुंबल कह रही है दो हंसों का जोड़ा अच्छा कौन जरा कम घुलने मिलने वाला है इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है थोड़ा सा कंपैरेटिवली दोनों जी नहीं तला तुम तुम वो ठंडे पानी में जब चीनी मिलाते ना नहीं घुलती वो हो तुम आ जाओ भाई कितनी गलतियां हुई भाई अब गिनी नहीं दो तीन गलतियां हाँ। चलो कोई बात नहीं दो दिन हुए आ जाओ हाँ। आ जाओ पर्चियां हटा लो भाई अच्छा भाई अब जो है ना अगर कोई नसीहत देनी पड़े पापा हाँ। आपको नौ बयाता जोड़ा है कपल है कोई नसीहत देनी पड़े जी तो आप लोग क्या नसीहत देंगे भाई सबसे पहले तो ये बर्दाश्त करना सीखो मैं एक चीज में नहीं कह रहा हर चीज में हालात को बर्दाश्त करना और उसके मुताबिक अपने आप को मेंटेन करना मतलब ये सिर्फ इस नौबियाता जोड़े के लिए नहीं है नसीहत एवर जनरल कपल के लिए जिनकी शादी हुई है नई नई हाँ उनको कोई चीजें मिसहैप हो जाता है कोई गलत बात हो जाती है अगर फौरन रिएक्शन उसका दे दे आदमी जो झगड़ा शुरू यानी आप कह रहे हैं पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी सेना तुम क्या कहती हो मैं तो आजकल के हिसाब से बताऊंगी जब कभी झगड़ा हो या कुछ हो ना तो मैं ये नहीं कह रही कि चुप करके बन जाओ और सहल और कर साइड से हट जाओ और मोबाइल पे लड़ाई करो टोन जो है ना वो 100% और नहीं कभी कभी अगर ऐसा कुछ होता है ना ये पक 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 मैं चुप नहीं अगर हम दोनों अगले की बात सुनने का मौका मिलता है आप पढ़ लेते हैं पूरी बात वो कह क्या रहा है तो मेरा तो ये ट्रिक है कि ना बजाय इसके कि आमने सामने चिल्लाए होकर आप एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं मैं टाइप करें उसके बाद पानी में तो हाथ भी चलते हैं जबरदस्त और मेरी आदत है अगर ये गुस्सा होती है ना मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूं और जब तुम गुस्सा होते हो फिर मैं गुस्सा होता ही नहीं मैं चुप हो जाती हूं जब ये गुस्सा होता है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूं ये गुस्सा नहीं होता क्या होते हैं मैं गुस्से में ज्यादा चुप होता है ये होते हैं ना दादी गुस्सा बिल्कुल हां पापा और गवाह हैं हां मैं गवाह हूं जो मैं मैं और ये दोनों तो अकेले होते थे तो मेरे इसको गुस्से को मैं मिलता था लेकिन ज्यादा नहीं कभी नहीं नॉट बहुत कम आता है लेकिन जब आता है तो सही आता है आता बहुत कम है लेकिन और एक्सप्रेस करना चाहिए हर चीज को तुम्हें भी उसको भी कोई चीज अच्छी लगे वो भी बताएं और बुरी लगे तो उसका उसको भी जिक्र ऐसे करें कि बुरा ना लगे आगे वाले का लेकिन अपने अंदर अगर रखते रहेंगे तो वो भरता रहेगा और एकदम से जब निकलता है तो फिर वो बुरा इसलिए बेहतर ये कि अच्छा और बुरा दोनों चीज एक्सप्रेस करें आदमी अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताएगा तो क्या दीवारों को बताएगा और किसको बताएगा सवेरा तुम बताओ क्या नसीहत एंजॉय करो लाइफ को छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे मोमेंट्स हर चीज को एंजॉय करो खुशियां ढूंढो छोटी सी चीज में और एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा ये रखो कि नहीं जी फलाने ने क्या कह दिया उसने क्या कह दिया नथिंग मैटर्स अगर तुम दोनों स्ट्रांग रहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता आउटसाइड नॉइस कभी भी मैटर नहीं करेगी अगर हाउस इन ऑर्डर होगा मैं तो ये कहूंगी मेरी नसीहत ये है प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए लेकिन एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट करो रिस्पेक्ट करोगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है प्यार खुद ब खुद होता रहता है प्यार तो है ना वो तो कहीं नहीं जाता दोनों सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं हां आप जनाब करके बात करते हैं आप खाना खाएंगे आप ब्रेक पे जाएंगे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूं आप एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मैके वालों एक तरफ भी मैके वाले दूसरी तरफ भी मैके वाले गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज आप मिल रहे हैं मेरी फैमिली से मेरे अब्बू मेरी बहनें और मेरा भाई भाभी वही फैमिली कंप्लीट हो गई है दामाद भी आ गए बहू भी आ गई अब्बू जब ये हो जाता है जब पूरा घर भरा हो जाता है तो जरा मगरूर वाले अंदाज में मैं एक्चुअली मैं ज्यादा इसको वो फील हूँ इसलिए करता हूँ मैं तन्हाई में था काफी तला की अम्मी के बाद से घर में मैं और ये थे बस किससे बात करें या आके टीवी देखने लगता था मैं अखबार पढ़ने लगता था तो फिर मेरा अब यही था मुलाजिम थे दूसरे हाँ। मेरा अब यही ख्वाहिश थी कि ये आएगी तो कम से कम घर एक घर लगे हाँ।
जैसे कल मुझे इतना अच्छा लगा, कल मैं गई इसके पास तो कहने दादा जी खाना खा के जाएगा मुझे आ गई, क्योंकि अम्मी तो मुझे डांट डांट के बोलती थी, मैं कहती थी मैं चिढ़ जाती थी इस बात तो वो बहुत अच्छा लगा कल, मैंने कहा मैं इजहार करूंगी बिल्कुल इसने आते ही बोला नदाबाजी खाना खा के जाएगा, बस खाना तैयार हो रहा है। सो जी वो कंप्लीट हो गई हमारी एक एक जो खलिश काफ़ी पुर की है इसने आके माशाल्लाह। अच्छा भाई अब हम मस्ती की तरफ आ रहे हैं, और ये वाली रस्म मैंने किसी से नहीं छोड़ी करवाना ना, मतलब सब मुझे SMS करे थे तो निदा ने जिसकी शादी होती सबको बुला के रस्में कराई है, अब तला आया है तला और सुम्बुल आ गए। अब होता ये पता है इस रस्म में क्या होता है, दूध है इसमें और फूल हैं, इसमें से अंगूठी जो पहले ढूंढ लेगा ना उसका राज होगा, डोमिनेशन उसकी होगी कहते हैं भाई ऐसा, आई डोंट नो होगी कि नहीं, तो देखते हैं कि अंगूठी पहले सुम्बुल ढूंढती है या तला। रेडी गेट सेट गो। नहीं नहीं बहुत सस्ती वाली है प्यार से तो बनाइए, बनाने के लिए तो आप कैन का जो है वो कवर भी पहना सकते हैं। फुल फिल्म ही चल रही मेरी, वो जब डाइजेस्ट पढ़ के आया तो मैं भी। ओके भाई ये तो रस्म हो गई, और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी तला तुम्हारे पास आ जाएगी, मुझे ज्यादा इतराना नहीं। अच्छा दूल्हा बन के कैसा लगता है, गुरूर आता है थोड़ा सा, क्या कैसी फीलिंग होती है दूल्हा बन के? थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा आता है, जरा टेंशन मिलती है, टेंशन है ना, और उससे भी छोटा आता है जिम्मेदारी का, कि यार एक जिम्मेदारी का बहुत एहसास आता है। बहुत ज्यादा है, एक एक चीज ये ऐसे खाना है, ये कर लो, जूस पी लो, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। कल हम शॉपिंग पे गए थे तो मुझे अंदाजा हो गया था बहुत जिम्मेदार है। गुड है, अच्छी तरबियत चल रही है हमारी। चलो भाई आओ भाई, कुछ तो जाहिर है जब इंसान होता है वो फरिश्ता थोड़ी है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी होती है, अच्छाई बुराई का वो पूरा मुआमा कहते हैं ना, उर्दूदान हमारे घर मजमुआ है। आइए जरा, एक मटका है तला की तरफ, एक मटका है सुम्बुल की तरफ, और उसके अंदर भी हमने कोई पर्चियां डाली हैं, और वो आप जरा ढूंढ के निकालेंगे, कोई ना कोई पर्ची निकलेगी, और उसका कोई सवाल है जिसका जवाब आपने देना है। सुम्बुल तुमसे शुरू करते हैं, कोई भी पर्ची जो निकले वो मुझे दे दो, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊं। ओके ठीक है सुम्बुल, सवाल है तुमसे, अपने शौहर से आपको ज्यादा पैसे अगर निकलवाने हो शॉपिंग के लिए, तो क्या टिप दोगी सारी और दूसरी वाइफ्स को कि कैसे निकलवाई जाए शॉपिंग से ज्यादा, शॉपिंग के लिए ज्यादा पैसे निकलवाने के लिए बीवियों को क्या करना चाहिए? सुम्बुल हाँ ये कहना चाहिए कि उनको जो चीज़ पसंद के खाने हैं उनको खिला दें, उनकी पसंद के, तो वो फिर जितने आप बोलेंगे वो दे देंगे, पेट पूजा उनकी अच्छे से कर दें, उसके बाद पेट पूजा फिर काम, फिर काम, फिर वो आपको दे देंगे जितने आपको चाहिए, पेट पूजा अच्छे से कर दें। ओके खाना खिलाना, खाना खिला दें तो वो मिल जाते हैं। तो सुम्बुल तुम्हें खाना पकाना आता है? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, 12 तारीख की किताब जिंदाबाद दे दूंगी तुम्हें अपने पास से। चलो भाई तला, ओके सवाल ठीक से, मुझे तला के जवाबों का जो है ना वो है कि तला क्या जवाब देता है। 5 सेकंड में बीवी की पसंद की 4 डिशेस के नाम बताइए तला। बिरयानी, टिक्का, चाउमीन और स्पैगेटी।
ओए वाह, चाउमीन और स्पेगेटी एक ही होती है? अलग अलग? नहीं नहीं, स्पेगेटी वो शेफ है, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, चाउमीन और स्पेगेटी दो अलग अलग। अच्छा ओके, ठीक है, चलो संभल तुम्हारी बारी। चाउमीन चाइनीज और स्पेगेटी जो है वो इटालियन है। ओके, वो आदतें जो आप तलहा में बदलना चाहती हैं, प्यार से किस तरह बदलने का बोलेंगी? पहले तो आदतें बताओ, क्या बदलोगी अगर तुम्हें कोई बदलने का मौका मिले? वो एक सबसे एक आदत ये जो मैं बहुत टाइम से चेंज कर रही हूँ, नहीं हो रही, ये सो जाते हैं बात करते करते, इनको पता ही नहीं होता, ये सो जाते हैं और मैं नॉन स्टॉप बोल रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ और देखती हूँ तो ये सो रहे होते हैं। तो हमें पता है, तुम्हें शुरू से ही आदत है इसकी, हम सारे जागे होते थे, ये 9 बजते थे और अपना खाना खाया इसने खुद ही से, अब जाके ये सो जाता था, इसकी शुरू से ही आदत है। कब से मैं चाह रही हूँ चेंज हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या पता सुमन तुम चेंज हो जाओ, तो मैं ऐसी हो चुकी हूँ, पता है 9:30 बजे सब सो जाते हैं। अब ये हुआ है दादाजी, अब मैं इनकी जैसी हो गई हूँ, मुझे 12 बजे नींद आ जाती है, अच्छी आदत, वो आदत मेरे अंदर की अच्छी बात है। तो अगर तुम्हें बदलनी पड़े तो ये इसका तरीका क्या क्या है, क्या बताओगी तुम सारी 9 ब्याहता दुल्हनों को, कैसे बदले कोई आदत अगर बदलनी पड़े मियां की? उनको प्यार से समझाए, मुझे तो प्यार में बहुत ताकत है, तो समझ जाएंगे, प्यार से सीख लें, प्यार से समझा दें, समझ जाएंगे। गाना गाएं, गाना गाएं जोर जोर से, या प्यार से समझा अगर अच्छा गाती होगी तो और नींद आ जाएगी, बुरा गाएगी तो वो नींद उड़ जाएगी, तो भी नींद आ जाएगी, समझा दें, समझ जाएं। ओके जी, तला निकालो पर्ची। बीवी मुसलसल आपको कॉल्स कर रही है, बट आप मसरूफियत की वजह से अटेंड नहीं करे तला, घर आकर क्या बहाना बनाएंगे? और बीवी गुस्सा ना करे, कुछ ऐसा बहाना बनाइए, ये सारे हस्बैंड्स को बताएं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, क्या करेंगे आप इसके लिए? सिर्फ ये, इसके लिए फ्लावर्स का बुके ले जाओ, पिघल जाएगी। इसके लिए नहीं, सारी बीवियां ही बेचारी ऐसी पिघल जाती है, गजरा ले जाओ या फूलों का फ्लावर, सारी बीवियां ऐसे पिघलती हैं। ओके, फ्लास का बुके, चलो भाई आगे आगे पर्ची। ओके, क्या एक घड़ी जो तला को बहुत पसंद है लेकिन आपने वो घुमा दी है, मिल नहीं रही है, किस तरह खुद को संभालेंगे? कोई भी घड़ी हो या कोई भी ऐसी चीज, वैसे तला की कोई कीमती चीज, मैं इनको गिफ्ट की थी तो इन्होंने घुमा दी थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इनको दूसरी दिला दूंगी। नहीं नहीं, अगर तुमसे कोई उसकी फेवरेट चीज, तुमसे वो चीज घूम गई है, जर्मनी वाली खाला ने भेजी थी, तो मैं इनको सॉरी करूंगी बहुत प्यार से और बोलूंगी तला मैं आपको न्यू दिला दूंगी, प्लीज ना आप ये सही है, तो घूम गए ना, न्यू दिला दूंगी, वो अपनी जेब खर्च जमा करेगी पहले और फिर आपको दिला देगी। ओके, गुड आइडिया, चलो भाई नेक्स्ट। ढूंढो भाई ढूंढो, ये जनरल कपल्स के लिए भी मशवरे हैं, देखते हैं छोटे बच्चे मशवरे दे रहे हैं। अंदर की तरफ है, तला हेल्प कर दूं मैं, वो एक्चुअली जो पर्चियाँ हैं ना वो भी गीली हो गई हैं फूलों की तरह, तो आप उसको फील नहीं कर, फील नहीं कर पा रहे, पर्ची है या पत्ता है, मतलब मिक्स हो गई। हाँ, मिक्स हो गई। आपको बीवी से कोई भी अपनी बात मनवानी है, अपनी बात किस तरह मनाओगे, मनवाओगे? कोई भी मनवानी है बात जो आपको लगता है वो नहीं मानेगी, सो टेक्निक क्या है कि हस्बैंड अपनी बात कैसे मनवाए? बाहर बस घुमाने ले जाओगे मान जाएगी, बाहर घुमाने ले जाओगे मान जाएगी, ओहो इसको गोलगप्पे भी खिला दूंगा ना ये मान जाएगी। चलो गोलगप्पे, चलो भाई गोलगप्पे वाला अच्छा सा कोई देखना पड़ेगा। ओके, घर की रेनोवेशन हो रही है और आप अपनी मर्जी से घर में काम करवाना चाहती है, किस तरह? शोर तो छोड़ो, ससुर को कैसे मना? दूसरी पर्ची दे दे। सवाल तो ये शोर को कैसे मनाओगी, नहीं नहीं सवाल मैं खुद चेंज कर रही हूँ, ससुर को कैसे मनाओगी? मैं बोलूंगी अब्बू आप थोड़ा सा न्यू लुक देते हैं, हम चेंज कर देते हैं बहुत प्यार से, किचन का हम न्यू लुक देते हैं तो हम चेंज कर देते हैं, प्यार से मनाऊंगी, प्यार मान जाएंगे, मुझे ये बिलीव है कि प्यार से हर चीज हो सकती है, आप कहो तो सामने वाला पिघल जाए। ओके ओके, ठीक है भाई, चल भाई तला
समझदार लाए भाई बहू हम ढूंढ के। हाँ ढूंढी तो उसने, हाँ ढूंढी इसने, लेकिन गुड है, गुड चॉइस, गुड चॉइस। बीवी का आइसक्रीम खाने का मूड है लेकिन आपको लेके नहीं जाना, किस तरह अपनी बात मनवाओगे? बहुत दिल चाह रहा है, उसका पूरे दिन से इंतजार करिए कि तला आएगा तो मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी। ये तो मेरी तरह नदीरी है, ये वो वाला सवाल है, ये मुझे मेरे लिए होना चाहिए। ऑनलाइन ऑर्डर आजकल तो आइसक्रीम कौन ऑनलाइन ऑर्डर करता है? हां आइसक्रीम भी डिलीवर हो जाती है। आ जाएगी? यस ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने का, लेट नाइट ले जाएंगे। नहीं नहीं ले जाना नहीं है, जाना ही नहीं है, आइडिया वो दो। सीएसएस हो जाऊंगा, खत्म किया, कुछ कर ही नहीं सकती। अगले दिन भी जो होगा तुम्हारे साथ फिर पता चलेगा। बेटे जब सुबह सो के उठेंगे ना, जहाँ नाश्ता मिलेगा, इसको उठने से पहले भाग जाऊंगा। अगले एक हफ्ते तक नींद नहीं आएगी। बैड आईडिया, हाँ नहीं है, खत्म हो गई क्या? चलो खत्म हो गई, फूल निकाल दो ना बाहर। एक कौन सा बाहर? हाँ बाहर निकाल दो फूल। हाँ चलो मैं। अच्छा जो आखिरी पर्ची है ना, उसका सवाल है कि शोहर की ना प्रमोशन हुई है, ठीक है, दूसरी सिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा क्या कहेंगी कि वो ना जाए? मजबूरी है कि तला को जाना पड़ रहा है बाहर और आपको लेके नहीं जा सकता, क्या कहोगी कि ना जाए? मैं, मेरी तबीयत खुद ही इतनी खराब हो जाएगी, जा ही नहीं पाएंगे। बीमार हो जाऊंगी। तू कहना तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। बीमार हो जाऊंगी बहुत ज्यादा, तो ये खुद ही नहीं जाएंगे। ओके अच्छा, बुखार बुला लो, बुखार बुला लो, प्याज रख लेना, प्याज होता है ना रख लेना जब आप, तो फिर ये खुद ही नहीं जा पाएंगे फिर। अच्छा अब तला पापा आप जरा उधर देखिएगा, हाँ आपने अपनी बेगम की एक मिनट तक तारीफें करनी है। हाँ करें जरा, एक मिनट, एक मिनट असरी उतला सबने के लिए करें। एक मिनट तक तारीफ करें, पहले तो आप आज बहुत प्यारी लग रहे हो। थैंक यू। आपका हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, आप जो हो एक प्रिंसेस की तरह हो। थैंक यू सो मच। क्या है कि आप हर बात जो भी है आप प्यार से समझते हो, उसकी कदर करते हो, सब कुछ है, और मेरी रिस्पेक्ट करती है। तो एक मिनट नहीं हुआ था, ये बहुत लोगों की जब एक मिनट होगा तो। और क्या डाइजेस्ट में और भी लिखा था तला? अल्लाह बता दिया, बता दिया जो आते तला, कुछ हेल्प करूं? फर रहे, तू फर रहे, आजा चीटिंग करते हैं। हां सकता मैं रूम सेट किया जो आते ही, या जो मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है, समझ गई, ठीक है। हां और आपको देखता हूँ, आपको ये देखो जरा, फर्रे आप मेरी बारी में आ जाएंगे। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो आपको देख के मेरी पूरी सुबह पूरा दिन हसीन हो जाता है। ये बात है। एक मिनट नहीं हुआ ना अभी टाइम, कितने कितने सेकंड्स बाकी हैं? जब भी काम पे होता हूँ बस मेरा ये होता है कि मैं बस जल्दी घर जाऊँ और आपके पास। बॉस भी हो सकता है, देख रहा हूँ। देख ले उसकी भी शादी हुई है। हाँ भाई कितने 10 सेकंड लेफ्ट, बस इसी तरह हंसी खुशी रहो और मिलकर क्रिकेट टीम में। इसी तरह हमेशा हंसी खुशी रहो मेरे साथ और मिलकर क्रिकेट टीम बनाएंगे। वो लाइट बहुत अच्छी है। ओके जी आ जाओ दुल्हा दुल्हन, आ जाओ दुल्हा दुल्हन, आ जाओ। कितने आ जाओ भाई, छोड़ो वो हम हिला लो। अच्छा भाई कैसे कैसे तुम उसको मशवरे दे रही हो, पालोगी तुम? हाँ भाई सही, एक ये पाल लेगी, एक ये, क्योंकि अब हमारे तो बड़े बड़े हो जाएंगे ना तब तक, सो वह हमें तो मजा आएगा बिल्कुल। सुमल आप कुछ कहना चाहेंगी तला की तारीफ में? ये वाली चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं और सारी जिंदगी काम आती है, क्योंकि फिर बाद में ये जो आदमी लोग हैं ना, ये इतने कोई ऐसे हो जाते हैं कि मैं कह दिया एक ये पाल लेगी, एक ये पाल लेगी, ये जो बैठा हुआ है जब तक जिंदा। आप सारे पालेंगे? सारे मैं ही पालूं, सारे आपके इर्द गिर्द पलेंगे, अब आप ही पालेंगे। भाई अब्बू आपको डायपर शायपर चेंज नहीं करना आते, वो तो हम लोग ही करेंगे ना। नहीं ये खैर अब सोच की बात है। हाँ भाई भाई आप चार पालेंगे, एक दो तीन, बस कर दो। अरे भाई इंसान मजाक कर रही हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे अब तला के लिए? तला बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, और सबसे जो इनकी अच्छी बात है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मतलब एक होता है ना कि इंसान बोल के कुछ बताता है, इनको मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जो मेरे दिल में होता है ये पहले से उसको कर चुके होते हैं,
अभी तक जितनी भी शादियाँ मतलब जब रूम पूरा डेकोरेट कर रहे थे तो ये मुझे पिक्स भेजते थे, तो मैं बोलती थी ये तो मेरे दिल में था, मैंने तो उनको बोला ही नहीं, इनको कैसे पता चल गया। तो मुझे कभी नीड नहीं हुई कि तला को ये चीज़ समझानी है, आए मैं बस इनको देखती हूँ समझ जाते हैं। वाईफाई लगा हुआ है? हाँ, मुझे कभी कोई चीज़ बोलने की नीड नहीं हुई अभी तक, ये खुद समझ जाते हैं मुझे बहुत अच्छे से, हर मामले को समझ जाते हैं। तला के लिए मैं भी एक बात कहना चाहूँगी जो अम्मी तला के लिए कहा करती थी, हम तीनों की तो शादी हो गई थी जाहिर है और तला बहुत छोटा सा था उस वक्त, अम्मी जब बीमार हुई तो कभी कभार होता है ना घर में कोई और हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं करने वाला, कभी कभार वो होता है, वो फेज आता है कि मासियाँ भी भाग गई फलाना। तो तला जॉब पे जाता था सुबह, तो अम्मी बताती थी कि जब अम्मी सो के उठती थी तो तला ने अम्मी के लिए अंडे उबाल के डबल रोटी टोस्ट करके नाश्ता बना के ढक के रख के जाता था। सो वो चीज़ें तला ने बहुत की, अम्मी की खिदमत उस तरह तला ने बहुत की। बेटियाँ तो करती हैं लेकिन बेटे नहीं करते, मगर अम्मी ने इसको इतना अच्छा पाला है, इसीलिए ये औरतों की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों ने इसको औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाई है। और आई गेस शायद हम हमारा कैरेक्टर जहाँ भी नज़र आता है, जो भी जहाँ भी हम काम करते हैं, अगर हम कुछ अच्छे हैं तो उसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन सिर्फ बेटियों को नहीं, हमें हमारे अम्मा अब्बा ने कभी बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं किया, और तला को भी यही सिखाया। तो आई होप कि तला एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो, तो मैं बहुत खुश रखे और फहमीदा नसरीन का नाम ऊंचा करे, उन्होंने अच्छी तरबियत की है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बेटों की तरबियत जो है वो माएँ करती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर बीवियों को मर्द जो है वो प्रिंसेस की तरह रखते हैं तो उनकी परवरिश किसी क्वीन ने की होती है। जरूर रखते हैं तला मुझे, सो अल्लाह करे तला हमेशा तो मैं इसी तरह प्रिंसेस की तरह रखे, ताकि हमारी अम्मी को सब क्वीन समझे। मेरा बाबा यस, मैं तो और बेटियों की परवरिश में एक्चुअली बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, माँ का तो होता है। मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे मैं वो करता हूँ कि जिस तरह मेरी बेटियों ने आज जो है, मैं अपनी बेटियों के नाम से पहचाना जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा भी उसी तरह, इस तरह मेरी बेटियाँ आज मैं फख्र करता हूँ, मैं इसकी ज़ात पे भी फख्र करूँ हमेशा। दो तीन चीज़ें, दयानतदारी, इंकसारी और लोगों की हेल्प करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इसको नसीहत करूँगा सारी ज़िंदगी, ये करो अल्लाह ताला इसका अजर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब भी होता है ना कि शादी में भी यही हुआ था कि खुशी का मौका होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक शख्स हमारी जिंदगियों में कम हो गया, और हमारी ये तो वो ये समझें ये वो दरख्त है जो उन्होंने लगाया था और उसका उसके फल आज कोई और खा रहा है, लेकिन ये दरख्त है तला जो जो अम्मी कब हुआ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वो रस्में जो हमने रह गई ना भागम दौड़ी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो हम करेंगे अभी संभल तुम्हारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे भाई भाभी से, मेरी फैमिली से, मेरी बहनों, मेरे अब्बू से आपकी मुलाकात आज हो रही है, बहुत दिनों बाद हम एक्चुअली नहीं बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, और मैंने शादी में मिले थे मतलब पब्लिक से आप लोग बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद बात। मैं बताना भूल गई कि वलीमे का जोड़ा दुल्हन का तो था ही हारिस शकील का, सवेरा और मेरा भी हारिस शकील का ही जोड़ा था। उन सब डिजाइनर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें जोड़े दिए पहनने के लिए। मेरे जो ड्रेस का कलर था हर बंदे ने आके कहा ब्रिलियंट, मतलब एक अलग से आउटस्टैंड। हाँ, हमने भी जोड़ों पे खर्चे किए, कुछ एक आध बना लिए थे ताकि हमने लेके वापस कर दिए। सच्ची बात है, और क्या भाई, बहुत सारी और चीजें होती हैं, ये पैसे बचाने चाहिए। अच्छा जी, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हमें जो है ना, हमें एक सवाल होगा और उसका हम चारों जवाब लिखेंगे और सुबह हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें तला के बारे में बहुत सारी बातें पता होंगी और कुछ हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे भी कोई पूछेगा ना, मतलब हाँ। पहला सवाल, एक आदत जो हम तला की अभी तक नहीं बदल पाए, एक आदत हम जो तला की अभी तक नहीं बदल पाए, ये सवाल तो हो गया था, रुक जाओ, पहले पूछ चुके हैं हम, दूसरा पूछ लो, दूसरा एक किस्सा बचपन का, इसमें बड़ा अच्छा जवाब है मेरा। अच्छा चले आप लिखें। जो मैं जान को अजाब है। अच्छा, एक आदत जो तला की हम नहीं बदल पाए, चलो भाई लिखो।
सबसे पहले बहुत खाता है, पता नहीं कहाँ जाता है माशाल्लाह, ये इसको भूख लगती तो चार पराठे भी खा सकता है, बहुत खाता है माशाल्लाह। बेचारी मेरी बहन से ना इतना नहीं खाती जितना इसको लगता नहीं है तलाको लगता नहीं तलाको तलाको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता तलाको नहीं लगता है ना पापा, खाता है ना खाते हैं तुम्हारे सामने के नहीं? हाँ, खाते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, खुश खुराक है ओके पापा बताएं कौन सी आदत है? सोफे पर बैठकर खाना खाता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है, मजा लो जो टेबल पे आ गया ठीक है ना, गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही है। हाँ सवेरा तुम क्या कहती हो? मुझे तो कुछ नहीं शायद, कुछ नहीं, नहीं। तुम्हें कोई आदत बदलनी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं? हाँ, मतलब कोई, इसका कोई... इंटरेक्शन कम है। हाँ। मतलब इसको देखती है कम है। मैं तो खैर हर वक्त मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, ये सोफे पे चाय पी रहा हूँ तुम बताओ देना चीजों को वक्त पे नहीं करता। हाँ, लेजी। हाँ, ये है ये ओके। दूसरा सवाल, एक किस्सा बचपन का जब हम दोहराते हैं तो आज भी हंसी आती है, इतना लंबा किस्सा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सुना दो। मैं सुना सर जी सुनना सुनबुल जरा, आप लोग भी सुनिएगा जरा ये किस्सा। ये बहुत छोटा था, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो वॉशरूम जाता था इसका, वो छोटा सा एक कुर्सी और यानी कि पॉटी ट्रेन हो रहा था ना बच्चा। हाँ, तो मैंने सोचा जरा इसको बड़ा करूं, मैंने सोचा इसको कमोड पे आज बैठाऊं, मैंने इसको बैठाया कमोड के अंदर और वहां यूं कर रहा है जैसे समंदर में चूजा था मेरा पतली पतली टांगे, जो मुझे सुनाई है बातें फिर और आके इसको यूं निकाला बेटा ये जो रिकॉर्ड हो गया ये सब देखेंगे हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी देखेगी। हाँ भाई सवेरा तुम्हारे पास कोई किस्सा है तलहा का? तलहा को एक दफा किसी मोहल्ले के लड़के ने डांटा था या मारा था शायद, मारा था। हाँ, मारा था। तो मैं उससे लड़ने गई थी, ऐसे गई थी मुझसे पूछो मैं लकड़ी सहेलियां जमा की साथ डंडे लिए हाथों में जैसे बंगाल लड़ने जा रही है और 10 साल की थी ये मुश्किल से तो वो भी मैंने देखा कि यानी ब्लॉक थे फ्लैटों में रहते थे, दूसरे वाले ब्लॉक ने इसके साथ कुछ हरकत की थी ये पूरी है। पूरी मतलब इंडिया पाकिस्तान कर दिया था। हाँ जना तुम्हारे पास कोई? जब मोहल्ले के जो छोटे बच्चे थे ना उनका ये रिंग मास्टर होता था, तो मुझे याद है हमारे सामने वाली थी वो स्पेशली उनका बच्चा छोटा वाला जब स्कूल नहीं जाता था सुबह सुबह फोन करके कहती थी प्लीज तलाक को भेज दे मेरा बेटा नाश्ता नहीं कर रहा है, तो ये बकायदा जाता था और वो फिर बच्चा नाश्ता करता था, ये मतलब ये लीडर था सबका। हाँ, हाँ। तो इसको बहुत छोटे बच्चे पसंद करते थे। अब मेरे वाला मतलब मेरी जगह आप सुना देना, मुझे इस वक्त याद नहीं। एक वाकया मैं सुनाऊंगा, बताएं कि वो हमारी आदत थी और मेरी फहमीदा की भी आदत थी कि जो रेजगारी होती थी वो डिब्बे में जमा करते रहते थे, तो एक डिब्बे में तकरीबन 50-60 रुपए की रेजगारी जमा हो गई थी। ओके। इसके कजन्स आए। हाँ। इसके हम उम्र छोटे कोई एक बड़ा एक छोटा ये उन्होंने ये पटावे में आ गया उनके उन्होंने पटा पुटू के डिब्बा उठाया और बाहर जाके सब लोगों को बांट दिए, रेजगारी बांट रहे पूरी पटावे में माशाल्लाह से अभी भी आ जाते हैं माशाल्लाह। मेरे साथ एक जबरदस्त फड्डा हुआ था, छोटा सा था, मैं चश्मा लगाती हूँ और मैं भाई मुझे नजर नहीं आ रहा, उस वक्त मैं लेंसेज नहीं लगाती थी, मैं पूरा घर ढूंढ लिया मुझे चश्मा नहीं मिल रहा, तलहा ने पता क्या किया मेरा चश्मा उठा के वो बिस्तर के पीछे की एक जगह नहीं होती दीवार होती है दीवार के आगे बेडरूम सेट होता है जो बीच की जगह होती है, तलहा ने उठा के वहाँ चश्मा फेंक दिया क्योंकि वो निकाल भी नहीं सकते थे, बिस्तर इतना भारी था उसको घसीट भी नहीं सकते थे, और जो मैंने चीखा पुकार के मैं देखूंगी कैसे पढ़ूंगी कैसे मेरे एग्जाम हो रहे हैं। नहीं आप मारने भी आए थे अब्बू ने मतलब क्यों मारी उसको छोटा है वो पिटने नहीं दिया उसको बिगड़ा हुआ। ओके जी अगला सवाल, क्या अच्छा पका भी लेगा, नहीं नहीं ये क्या है कोई और होगी, पका भी लेगा खिला भी देगा पर खुद नहीं खाएगा, वो क्या चीज है? मतलब कि ये हमें पका के खिला भी देगा मगर खुद नहीं खाएगा, क्या है ऐसी चीज जो ये नहीं खाता? सब्जी। हाँ सब्जी नहीं खाता, सब्जी नहीं, सब्जी नहीं खाते, पकाता बहुत अच्छी तुरई बहुत मजे की बनाता है, सब्जी नहीं। बैंगन भी अब्बू को पसंद है? बैंगन नहीं खाता। इतना कम खाना हमें बना के खिलाया है ना कि हम वाउच नहीं कर सकते ज्यादा बहुत रेयरली पका के जो इसने हमें खिलाया है मतलब वो ख्वाहिश ही रह गई कि ये पास्ता खुद अपने उससे बनाए नए सिरे से बनाए और फिर वो पास्ता। हर शेफ जो है ना
वो खुद नहीं पकाते, नहीं कभी नहीं पकाते। ओके चलो भाई ये हो गई। अब पिटारी, पिटारी में क्या है? मेरे लिए भी सरप्राइज है क्या? अच्छा यही था पिटारी में। हाय हाय मैं तो भूल गई भाई। देखिए जाहिर है मेहंदी शादी वलीमे में जो छोटी मोटी रस्में होती हैं वो रह गई। मेहंदी में भी कोई रस्म नहीं हुई, शादी में भी कोई रस्म नहीं हुई, दूध पिलाई हुई, दूध पिलाई, जूता छुपाई हुई थी कि नहीं? जूता छुपाई भी नहीं हुई थी। सो कुछ रस्में नहीं, सस्ते में दूध पिलाई हुई थी, सस्ते में छूट गए। अरे तलाक की घुटनी घुटना रुकाई भी नहीं, हमने दरवाजा रुकाई नहीं की तलाक। चलो अभी सब डिस्काउंट दिया। ओके तो अब हम जो है ना वो हम सुमल तुम इधर बैठो यहाँ पे आके, और अब हम वो रस्में जो हमारी रह गई थी वो हम सब मिलकर करेंगे। सवेरा सना मैं और मम्मा की जगह पापा आप आ जाइएगा, एक गजरा आप पहना दीजिएगा। सही है ना? सास नहीं तो ससुरिया से। अच्छा जी ठीक है, लाओ भाई लाओ सामान दे दो, टेबल रख दो। चलो भाई आओ पान का पत्ता रख के। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, पान का पत्ता रख के और वो जबकि हमने सब अरेंज कर लिया, सब अरेंज करके रखा हुआ था हमने, टाइम ही नहीं मिला। मिठाई की जगह हम जेलीज और M&M's लेकर आए थे। मैंने भी चॉकलेट्स रखवाई है, मिठाई तुमने बहुत खाई है उस दिन। कौन सी वाली मिठाई थी जो बेचारी निकाह निकाह में चमचम इसको खिलाया जा रहा है? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन था और व्हाइट वाला। गजरे तो पहनाओ ना पहले, गजरे पहनाओ सवेरा, एक तरफ से तुम पहनाओ गजरे। दुल्हन की हमने भाई वो रस्में रह गई थी वो हो गए। अब हम बहुत बड़ी मस्ती करने वाले हैं। देखो जो हम लोग जो है ना वो काफ़ी मजाया भी हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ हमारा खानदान काफ़ी मजाया है, तुम हंसती रहोगी। लाओ भाई हमारे डब्बे कहाँ हैं वो, और हम बड़े अच्छे मार्केटियर भी हैं। अब मैं वो एक ऐसी एक्टिविटी जो मैं सारी सेलिब्रिटीज से करती हूँ वो मैं, हाँ टाइम नहीं है अच्छा ख़त्म भाई, अब वो मजाइयापन मैं घर में जाके दिखाऊंगी। अब हमें टाइम नहीं रहा ये सब करने का, लेकिन मैं तो आधी चीजें बेच भी चुका हूँ। अब हम जो है नंदे नहीं बल्कि बहने बन के, माशाल्लाह तुम्हारी कितनी चार बहने हैं ना टोटल, तुम लोग तुम लोगों को तो वो चार बहने तुम्हारी हैं, और अब बहनों में इजाफा हो गया, सात हो गई है माशाल्लाह, सात सहेलियां, हफ्ते की एक दिन की सब। तो वो हम यहाँ हम तुम्हें कुछ दुआएं देना चाहेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुशियाँ दे, हमेशा ताला तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता रहे,
कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, वरना मैं इसकी आंखें नोच लेंगे। वहीं से छुरी आएगी बेटा, ये तीन छुरियां और आएंगी, मेरी जरूरत ही नहीं है ना तीन। यहाँ हम चौकीदार है, तुम्हें इसका मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं, हम ही करते रहेंगे। और ये मेरी तरफ से तुम्हें दुआ है। आगे सना आप आइए यहाँ पे, दुआ दीजिए जरा आके, चाहे तो आप फूल भी डाल सकती हैं, मैं पिटारी भी ला दूँ, पिटारी में भी बहुत सारे फूल। बस मेरी तुम्हें यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम आबाद रहो, खुश रहो, मियाँ को खुश रखो और मियाँ तुम्हें खुश रखे, और बुज़ुर्गों के साए के तले रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वालिदैन का साया रहे तुम्हारे सर पे और हमारे वालिद का साया तुम्हारे सर पे रहे। वो जो चली गई, अगर वो होती वो तुम्हें बहुत प्यार से रखती, बहुत सहेली होती समझो तुम्हारी, तुम दोनों मिलके जो ना ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, आ जाते हैं, थोड़ा डांटती भी वो, हमें बहुत डांटती थी। हाँ, तो ये तो हर माँ, उनकी डांट हमें बड़ी याद होती है। तो जो भी हैं बुजुर्ग इस वक्त, उनका साया तो हमारे सर पे, तुम्हारे सर पे रहे और हमारे घर को आबाद कर दो, बस रौनक ला दो। आमीन सुमा आमीन। आ जाओ सवेरा, सर तुम्हें एकदम बड़ा बनाते हो, अजीब लगता है। ऑनेस्टली मैं वही सोच रही हूँ कि क्या दुआ दूं भाई, पिद्दी हमारे घर की, वो अजीब लगता है। खुश रहो और हेलो भूलो, हेलो भूलो, जो है एंजॉय करो बस। हाँ, बस घूमो, लिव एंड लाइक, और घूमो ऑनेस्टली, मौका ढूंढो घूमने का और घूमो। सुने क्या बोल रही है? हाँ एक साइड पे जो है पैसे जमा करो और फिर घूमने चले जाओ। हाँ। फिर जमा करो अगले ट्रिप के लिए, फोकस ये रखो कि ट्रिप के लिए कितने पैसे जमा करो और एंजॉय। अबू आप भी बैठे बैठे कुछ दुआ दे दें। मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है मेरे लिए, ओहो, और जिसकी मैं ये है कि मैंने शादी की तारीख भी आगे नहीं बढ़ाई, बहुत जल्दी रखी। वजह ये है कि सुबह ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो मेरा कुक आके कहता है आज क्या पकेगा। मैं उसको बड़ी मुश्किल से सोच सोच, खुदा के लिए मेरी इस जिम्मेदारी से मुझे आजाद कर दो, और ये जिम्मेदारी अब मेरी बेटी ये बताया करे आज क्या पकेगा। वैसे घर का सबसे मुश्किल सवाल ही होता है आज क्या पकाए। हाँ। आज क्या पकाए। तो आप भी SMS कर दे जरा, एक हफ्ते का मेन्यू आप बना के हेल्प कर दे कि क्या पकाए। ये तो बहुत सारी हेल्प करते हैं SMS करके। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, थैंक यू सो मच अपना ये ढाई घंटे, कीमती ढाई घंटा हमारे नाम करने के लिए। बस आपसे सिर्फ एक इल्तजा है, इन दोनों छोटे छोटे जो दुल्हा दुल्हन है इस वक्त यहाँ आपके सामने बैठे हुए, जो अपने मियाँ के साथ बैठो तो अच्छे लोग होंगे वहाँ। ये जो दोनों छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन आपको नज़र आ रहे हैं, बस मैं यही कहूँगी, हमेशा आप दुआ देते हैं मेरे घर को, मुझे, मेरी फैमिली को। इन जो छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन हैं दोनों, इनकी तरक्की के लिए, इनकी खुशी के लिए, मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा बुज़ुर्ग होगा जो इस वक्त देख रहा होगा, जिसकी दुआ लगेगी, इनके लिए दुआ के हाथ उठाएँ और इनको बहुत ढेर सारी दुआएँ दें। बस मैं यही आप लोगों से इल्तजा करूँ। थैंक यू सो मच तला सुम्बुल शो पे आने का। सुबह सुबह नई दुल्हन के लिए उठना बहुत मुश्किल है लेकिन थैंक यू सो मच तुम दोनों का। अब जाओ हनीमून पे, इंजॉय करो। थैंक यू सिना, मुझे पता है तुम बहुत बिजी होती हो लेकिन तुम भी सुबह सुबह आई, थैंक यू सो मच। पिटारी पे नहीं बैठ, पिटारी पे नहीं बैठो सवेरा, तुम्हारी ड्यूटी शुरू होने वाली है अब। आई नो डबल डबल टफ टाइम हो गया यहाँ से। और पापा अब आप जाके सो जाइएगा। नहीं मैं अभी घर अरेंज करना है मैंने, क्योंकि मैं हैंडओवर कर रहा हूँ। वो जो साड़ी के ऊपर वो जो चाबियाँ होती हैं वो देना चाह रहे हैं। मैंने तो सोचा था वलीमे वाले दिन चाबियों का गुच्छा इसका डाइजेस्ट आज खाली तला ही नहीं, मेरे बाबू भाभी पढ़ कर रहा है फुल फुल फिल्मी। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा, हमारी हर खुशियों में आप शामिल रहते हैं। तो जी जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा से हम आपको अपनी खुशियों के ग्लिम्पसेस दिखाते हैं, और यहाँ हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक दफ़ा और प्यार सुम्बुल के वालिदैन और इनकी बहनों को, कि इतनी प्यारी सी बच्ची इन्होंने हमें पाल पोस के, इतनी अच्छी परवान चढ़ा के हमारे हवाले की। थैंक यू आंटी अंकल एंड सुम्बुल की बहन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।
तेरी।